हेलो एंड वेलकम टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट के जो मेन कैरेक्टर्स थे और पैराडाइज लॉस्ट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने जो है पिछली वीडियो में देख लिया था। आज से जो है हम पैराडाइज लॉस्ट की बुक वाइज समरी देखेंगे। सबसे पहले की जो वीडियो है इसमें बुक फर्स्ट की समरी है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, बुक फर्स्ट पे जो लाइन्स है वो है 798 यानी कि 798। जब स्टार्ट होती है बुक फर्स्ट तो सबसे पहले जो लाइन 1 to 26 है उसमें इन्वोकेशन दिखाया गया है, यानी कि जो जॉन मिल्टन है वो म्यूजिस को इन्वोक करते हैं। एपिक की जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एपिक में जो है इन्वोकेशन होगा। तो जो पहली 1 से लेकर 26 तक लाइन है वो इन्वोकेशन की है। तो द पोएम ओपन्स विद एन इन्वोकेशन, इन्वोकेशन से जो है पोएम स्टार्ट होती है और जो स्पीकर हैं यानी कि जो हमारे जॉन मिल्टन हैं वो म्यूजिस को इन्वोक करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि म्यूजिस उन्हें इंस्पायर करे, उन्हें एबिलिटी दे कि वो परफॉर्म कर सके, यानी कि वो ये पोएम, वो जो एपिक लिख रहे हैं वो इसको अच्छे से लिख सके, इसके लिए जो है म्यूजिस उनको इंस्पायर करे और उन्हें एबिलिटी दे। उसके बाद जो है वो म्यूजिस कहते हैं कि वो गाए किस किस के बारे में, मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस के बारे में, मानव की जो पहली अवहेलना हुई थी उसके बारे में, द फॉरबिडन फ्रूट के बारे में यानी कि उस फ्रूट के बारे में जिसे खाने के लिए मना किया गया था, हिज एग्जाइल फ्रॉम एडन, और जब मैन को ह्यूमन बीइंग को एडन से बाहर निकाल दिया गया था तो उसके बारे में जो है वो गाए, हिज एवेंचुअल रिडेम्पशन, उसके रिडेम्पशन के बारे में गाए, और थ्रू जीसस क्राइस्ट, जो कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा हुआ था, जब जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था और लोगों के जो पाप थे उनके लिए उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, तो उस चीज़ को जो है वो म्यूजिस वो गाए। अब जो है हम हेल की तरफ जाते हैं, हमें जो है हेल दिखाई देता है, हेल दिखाया जाता है, और हेल क्या है, वो बर्निंग हो रहा है, वो जल रहा है, उसमें जो है आग लगी हुई है। वी सी सैटन, और वहाँ पर हम किसको देखते हैं, हम वहाँ पर सैटन को देखते हैं। हेल जो है वो अर्थ से नीचे नहीं है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जो नरक है वो पृथ्वी से नीचे है, तो जो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जो हेल है वो अर्थ के नीचे नहीं है, बल्कि वो कहीं मिडल में है, एक ऐसे प्लेस पर है जिसे जो है मिल्टन ने काइस कहा है। काइस एक ऐसा प्लेस है जो बिल्कुल, मतलब काइस का मतलब ये होता है कि डिसऑर्डर, जिसमें हर कुछ जो है, सब कुछ जो है डिसऑर्डर है, उसमें कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है। जब मैंने कैरेक्टर बताए थे, प्लेस बताए थे, तब बताया था कि जो काइस है वो एक ऐसा स्थान है, मतलब जो एटमोसफेयर है जो बिल्कुल अलग है। हेवन, अर्थ, प्लानट, ये सब जो है गॉड ने बनाए थे, तो इसके बाद जो इसके बाहर जो एटमोसफेयर बचता है जो बिल्कुल ही डिसऑर्डर है, उसको काइस जो है यहाँ पर जॉन मिल्टन ने बोला है। तो एक काइस में जो है कहीं पर हेल है वो भी स्थित है, और हेल में जो है सैटर्न है, और एवरीथिंग आउटसाइड द स्फीयर एंड हेवन इज कॉल्ड काइस। तो काइस इसको बोलते हैं जो कि हर उस चीज़ को जो कि स्फीयर से बाहर है, जो स्फीयर से और हेवन से बाहर है, उसको जो है हम काइस कहते हैं। तो काइस में कहीं पर हेल स्थित है और हेल में जो है सैटर्न है। सैटर्न जो है हमें ऊपर से गिरता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उसको जो है हेवन से नीचे गिरा दिया गया है, तो वो नीचे आकर जो फायर है उसमें गिर जाता है। एक लेक है, फायर ऑफ लेक है, जिसमें आग लगी हुई है एक लेक में, उसमें जो है सैटर्न गिरता है आकर। सैटर्न चारों ओर देखता है, वो अभी अभी हेवन से नीचे गिरा हुआ है और अभी तो है वो अपने आप को उस अपने जो सराउंडिंग्स है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाया है, यानी कि अभी अभी वो ऊपर से नीचे गिरा है, तो अभी वो अपने आसपास के जो एटमोसफेयर उसको देख ही रहा है, वो उसमें खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद वो है अपने सबसे जो फर्स्ट मेट है उसको देखता है, वो है बेलज़ेबब। तो सबसे पहले जो सैटर्न वो किसको देखता है, तो वो सबसे पहले देखता है बेलज़ेबब को। वह उसे कहता है कि वो तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे उसका फ्रेंड हो जिसको वो हेवन में जानता था। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जब हेवन में एंजल्स थे ये, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल थे, सब बहुत अच्छे थे, लेकिन जब इनको हेल में फेंका गया तो ये बिल्कुल बदसूरत हो गए हैं, ये डेविल जैसे लगने लगे हैं। इनफैक्ट ये आपस में भी एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। तो शैतान उसे कहता है कि तुम तो मेरे मित्र की तरह लग ही नहीं रहे हो जिसे मैं हेवन में जानता था। इसके बाद जो है सैटर्न कहता है, बताता है कि किस तरह से वह यानी कि सैटर्न और जो दूसरे एंजल्स थे वो गॉड के साथ लड़े, और वो ये भी कहता है, और वो हार गए यानी कि वो युद्ध हार गए, और इसीलिए जो है गॉड ने उन्हें हेल में डाल दिया। लेकिन वो ये भी कहता है कि हाँ वे हार गए हैं, दे हैव बीन बीटन, लेकिन ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है, यानी कि सैटर्न के अंदर अभी भी जो है होप बची हुई है,
वह युद्ध तो हार गया है लेकिन उसने अपनी होप अभी तक भी नहीं खोई है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीत सकता है। अब बिल्जिबब उसे कहता है कि वह बहुत अपसेट है और वह वरीड भी है कि मतलब जो करंट स्टेट है उनकी, जो इस समय उनकी हालत हो रही है, वह उस पर बहुत ज़्यादा वरीड है और उसे बहुत ज़्यादा फिक्र भी है कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन सैतन कहता है कि नहीं, तुम मतलब फिक्र मत करो, और मुझे और तुम्हें यानी कि बिल्जिबब को शैटन को जो है किसी नियर बाय प्लेन में चलना चाहिए, कहीं कोई मैदान हो यहाँ पर आसपास, तो हम चलो वहाँ पर चलते हैं और सोचते हैं कि हमें कैसे गॉड के अगेंस्ट वार लड़ना है, हमें गॉड से कैसे लड़ना है और हमें कैसे जो है डील्स विद द हॉरर ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेज एंड रिपेयर देयर लॉसेस, कि हम अपने लॉसेस को कैसे रिपेयर करें और हम अपने सर्कमस्टेंसेज को कैसे ठीक करें, यानी कि जो हमारी परिस्थितियाँ हैं उसे हम कैसे ठीक करें, हम कैसे जो है अपने लॉसेस को रिपेयर करें, जो हमने खो दिया है हम उसे कैसे पाए, हम कोर्ट के साथ कैसे लड़े, इन सब पर हमें विचार करना चाहिए। और इन सब पर विचार करने के लिए क्या है कि हमें आसपास कहीं मैदान में जाना चाहिए। तो वो बिल्जिबब को लेकर वहाँ से चलता है। एट सैटर्न मूव्स टुवर्ड्स द प्लेन द नैरेटर डिस्क्राइब सीन। जब जो है सैटर्न प्लेन की ओर जा रहा है तो नैरेटर यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं सैटर्न की बॉडी को। वो बताते हैं कि जो सैटर्न है वो बहुत ही बड़ा है, जितना कि हमें जेंट्स होते हैं, जो जेंट्स है क्लासिकल मैथोलॉजी में या बाइबल में जो जेंट्स बताए गए हैं कि जेंट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो सैटर्न है वो जेंट्स से भी बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है वो कि एक बार जो है कोई सेलर था तो उसने मिस्टेकली सोचा कि ये कोई आईलैंड है, यानी कि सैटर्न को आईलैंड सोचकर उसने जो है अपनी नाव को वहाँ पर ले जाने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि ये शायद कोई आइलैंड है। तो जो है सैटर्न वो बहुत ही बड़ा दिखाया गया है। अब वो है लेक से बाहर निकलता है और वो प्लेन की ओर उड़कर जाता है, क्योंकि वो एंजल्स था तो उसके जो विंग्स हैं वो अभी तक भी हैं, यानी कि गॉड ने उनको हेल में तो डाल दिया है लेकिन जो उनकी पावर थी वो अब तक भी उनके पास है। वो अपना जो है वो डिस्गाइज भी हो सकते हैं, अपना वो रूप बदल सकते हैं, भेस वो अपना बदल सकते हैं, वो उड़ भी सकते हैं। तो शैटन जो है उड़कर लेक में से बाहर निकल जाता है और वो मैदान की ओर चला जाता है। और वो जो मैदान था वो भी जो है जल रहा था, यानी कि उसमें भी आग लगी हुई थी, और बिल्जिबब भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब जो सैटर्न है वो चारों ओर देखता है और कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा ही है कि वो गॉड से दूर रहे, जितना हो सके वह गॉड से दूर रहे उसके लिए अच्छा है, तो यह इतना भी बुरा प्लेस नहीं है। उसके बाद जो है वो सजेस्ट करता है कि उसे जो है अपनी फोर्सेस को रीअसेंबल करना चाहिए ताकि वे कोई प्लान बना सके एक्शन का, वो कोई युक्ति निकाल सके कि वो किस तरह जो है गॉड को हराए। तो इसीलिए वो चाहता था कि वो जितनी भी उसकी फोर्सेस हैं, जितने भी उसके साथ रेबल एंजल्स थे, वो उन सबको वहाँ पर इकट्ठा करे। तो शैटन अब जो है बर्निंग जो लेक थी उसके शोर पर जाता है, उसके तट पर जाता है, और जो फॉलन एंजल्स वहाँ पर गिरे हुए थे उनके पास वो जाता है, उनको उठाने के लिए, उनको बैक ऑन करने के लिए, क्योंकि जितने भी जो है हेवन से एंजल्स गिरे थे वो सब लेक में आकर ही गिरे हुए थे। शैटन की जो सील्ड है वो इतनी बड़ी है मानो कोई चंद्रमा हो, और जो उसका स्पेयर है, जो उसका भाला है, वो इतना बड़ा है जितना कि किसी बड़े शिप का मास्ट होता है, यानी कि वो एक बड़े शिप के मास्ट से भी उसका स्पेयर, उसका जो भाला है वो बड़ा है, और जो उसकी सील्ड है वो चंद्रमा की जैसी दिखाई देती है, यानी कि शैटन भी बहुत बड़ा है और जो शैटन के हथियार हैं उसके पास वो भी बहुत बड़े हैं। अब जो फॉलन एंजल्स हैं वो हमें दिखाए जाते हैं, वो जो है लेक में बिल्कुल स्कैटर्ड हो चुके हैं, वो लेक में बिखरे हुए हैं मानो कोई पत्तियाँ जो है ऊपर से गिर जाती हो, कोई पत्तियों का बंच गिर जाता है और पत्तियाँ इधर उधर बिखर जाती है। तो इस तरह जितने भी वो रेबल एंजल्स थे वो सब एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, शैटर्ड हो चुके हैं वो। शैतन उन्हें जो है उठाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि राइज अप नाउ और रिमेन फॉलन फॉर एवर, कि या तो तुम अब उठ जाओ या फिर तुम हमेशा के लिए इसी में पड़े रहोगे, यानी कि शैतन जो है उनको एनकरेज करता है कि वो उठे। और जब जैसे ही वह बोलता है तो वो जो जितने भी सारे रेबल एंजल्स थे वो एकदम उठ जाते हैं, मानो उन्हें कोई पावर मिल गई हो, उन्हें शैटन की आवाज़ सुनते ही वो एकदम खड़े हो जाते हैं और वो जो है असेंबल हो जाते हैं स्क्वाड्रंस में, जैसे कि एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती है उसी तरह से जो है वो एक के पीछे एक इस तरह से जो है स्क्वाड्रन अपनी बना लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो मौलोच होता है। ये जो है क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु कम्स फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले जो रेबल एंजल आया था वो कौन था, तो डेट वॉज मौलोच, जो कि कवर्ड इन ब्लड, ब्लड से वो पूरा तरह कवर हुआ है। नेक्स्ट कम कैमस, कैमस जो है सेकंड नंबर पर आता है। विथ कैमस एंड मैलेज कम बैलिन एंड एस्ट्रोथ, उसके साथ साथ कौन आता है, बालिन आता है और एस्ट्रोथ आता है। सबसे पहले मालोच आया था, उसके बाद कैमस, फिर बालिन, फिर एस्ट्रोथ, और फिर कौन कौन आते हैं, फिर आते हैं एस्ट्रोथ और एस्ट्रेट,
एस्ट्रोथ जो है वो भी फॉलन एंजल्स के साथ आती है। ये एक फीमेल एंजल है, शी वॉज वर्शिप्ड बाय फोनेशियन वर्जिन्स। वो जो है वर्शिप किए जाती थी उसकी फोनेशियन वर्जिन्स के द्वारा। जितने भी ये एंजल्स हैं ये कोई ना कोई गॉड रहे हैं, क्योंकि ये हेवन में थे तो ये कोई ना कोई गॉड रहे हैं जिनकी वर्शिप की जाती थी। तो जो एस्ट्रोथ थी वो फोनेशियन वर्जिन्स की जो है गॉड रही है। इसके बाद आता है टैमज। टैमज को है आगे मतलब कम नेक्स्ट, और वो जो है उसको मतलब ऐसे बताया गया है कि ही वॉज सपोजली वाउंडेड एवरी ईयर, यानी कि वो हर साल जो है वाउंडेड हो जाता है, और जिसकी वजह से जो रिवर एडोनिस है वो पर्पलिस कलर की हो जाती है उसके ब्लड की वजह से। उसके बाद डैगन आता है। डैगन एक फिलिस्टीन सी गॉड है, जिसका ऊपर का जो हाफ है वो तो एक मैन की तरह है और जो नीचे का है वो फिश की तरह है। उसके बाद आता है रायमनन, एक डेटी वर्शिपर है ये। वर्शिप इन व्हाट इज़ नाउ मॉडर्न डे सीरिया, यानी कि ये वहाँ पर वर्शिप इसकी पूजा की जाती थी जिसको कि अब हम सीरिया कहते हैं। उसके बाद आता है बेस्टेल और बीस्टी, इजिप्टियन गोड्स विद एनिमल हेड्स। इसके बाद जो है कुछ इजिप्टियन गोड्स आते हैं जो बहुत ही बीस्टली होते हैं, जिनका जो हेड है वो एनिमल्स की तरह होता है। उनके क्या क्या नाम होते हैं, आइसिस, ओसिरिस और ओरस। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है बिलाल या बेलियल। बेलियल जो है वो सबसे लास्ट में आता है। तो ये दोनों जो है मोलोज और बेलियल हमें याद रखने हैं, सबसे पहले जो है मोलोज और लास्ट में जो है बेलियल आता है। और उनके जो है और भी बहुत सारे जो रेबल एंजल्स हैं वो आते हैं। देयर वर आल्सो द ओलंपियन गॉड्स भी उनके साथ होते हैं। देन द एनिशेंट दैट द एनिशेंट ग्रीक्स वर्शिप, यानी कि जो एनिशेंट ग्रीक जिसकी पूजा करते थे ओलंपियन गॉड्स वो भी होते हैं। ए लॉस्ट ऑफ अदर डेविल्स कम, और भी बहुत सारे जो हैं डेविल्स आते हैं। एंड दे लुक अनहैप्पी डेस्परेट, और वो सब क्या दिखाई देते हैं, वो सब बहुत ही डेस्परेट हैं, अनहैप्पी हैं, वो बहुत दुखी हैं इस बात से क्योंकि वो हार चुके हैं और गॉड ने जो है उन्हें हेवन से बाहर निकाल दिया है। लेकिन वे खुश हैं, ये देखकर वो खुश हो जाते हैं जब वो सैटर्न को देखते हैं कि सैटर्न जो है अभी भी डिस्पेयर नहीं हुआ है, सैटर्न में अभी भी होप बाकी है। तो जब वो सैटर्न की होप को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिल्टन जी कहते हैं कि बहुत सारे डेविल्स थे, बहुत सारे जो हैं रेबल एंजल्स थे, सबके नाम तो वो नहीं बता सकते, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वो उन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब सैटर्न जो है उनको एनकरेज करता है और वो कहता है कि हमारा जो फ्लैग है वो लहराना चाहिए। और जब जितने भी फॉलन एंजल्स थे वो अपने फ्लैग को देखते हैं तो वो सब जो है जितने भी वो स्क्वाड्रन उन्होंने बनाई हुई थी अपने फ्लैग को वो भी लहरा देते हैं, और अपने जो स्पेयर्स और सील्स थे वो उनको भी लहराते हैं, और बहुत तेज़ आवाज़ में वो रोअर करते हैं, वो बहुत तेज़ आवाज़ में दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ में। यानी कि शैटन ने उनके अंदर भी एनकरेज भर दिया है, शैटन ने उनको एनकरेज कर दिया है कि वो उठे और लड़ने के लिए तैयार हो जाए। द सोल्जर्स स्टार्ट मार्चिंग, जितने सोल्जर्स हैं वो मार्चिंग स्टार्ट कर देते हैं और सैटर्न के सामने वो असेंबल हो जाते हैं और फिर वो उसकी कमांड का वेट करने लगते हैं। यानी कि जितने भी सारे सोल्जर्स थे, जितने भी रेबल एंजल्स थे, वो स्क्वाड्रन में जो है उनके सामने सैटर्न के सामने खड़े हो जाते हैं आकर, और फिर वो वेट करते हैं कि सैटर्न उन्हें कोई कमांड देगा। उसके बाद जो है सैटर्न को दिखाया जाता है, सैटर्न जो है उनके बीच में एक टावर की तरह खड़ा है क्योंकि वो बहुत ही लंबा है, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी आर्मी के बीच में खड़ा हुआ एक टावर की तरह दिखता है। इसके बाद वो बोलने की कोशिश करता है, वो तीन बार बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बोल पाता, वो रोने लगता है। फिर उसके बाद जो है फाइनली वो बोलता है। इसमें दिखाया गया है कि सैटर्न को भी जो है रोता हुआ दिखाया गया है। ये एक इमोशनल सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि जो सैटर्न है वो मतलब अपने जब रेबल एंजल्स को वो देखता है, वो उनसे मिलता है, वो उनको एनकरेज करता है, तो उसे रोना आ जाता है, उसके भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो फिर फाइनली बोलता है, वो उनसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा उठेंगे और इस बार जो है हम भगवान से जो है गौर से हम सेम वे में नहीं लड़ेंगे जैसे हमने मतलब जैसे इस बार जो सैटर्न और उसके रेबल एंजल्स ने अटैक कर दिया था गॉड पर, गॉड के सन पर। तो वो कहता है सैटर्न कि हम इस तरह से अब गॉड पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से हम नहीं जीत सकते, ये सैटर्न को भी पता है। तो सैटर्न कहता है कि हम कोई और रास्ता निकालेंगे, हम कोई फ्रॉड करेंगे, कोई गाइल करेंगे इस टाइम, जिससे कि हम भगवान से जीत सके। इसके बाद जो है र्यूमर्स उन्हें पता चलती है कि गॉड जो है कोई क्रिएट करने वाले हैं अनादर वर्ल्ड को, किसी कोई वर्ल्ड जो है गॉड बनाने वाले हैं। और सैटर्न कहते हैं कि ठीक है, अगर गॉड कोई वर्ल्ड बना रहे हैं तो हम उस वर्ल्ड को मैस अप कर देंगे, हम उस वर्ल्ड को छिन भिन कर देंगे, उस वर्ल्ड में हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो गॉड के लिए सही नहीं है। यानी कि हम जो है गॉड की जो क्रिएशन है उसको हम
ख़त्म कर देंगे, उसको हम बिगाड़ देंगे। और उसके जितने भी लेंस थे, जितने भी उसके मतलब आर्मी थी, वो अपने तलवारों को ऊपर उठा देती है। मान लो वो अप्रूव कर रही हो कि हाँ हाँ हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद जो है, जो फॉलन एंजल्स थे उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। तो उनका एक जो ग्रुप है वो लेड होता है मैमन के द्वारा। मैमन जो है उनको लेड करता है। मैमन एक ग्रीडी और मनी लविंग डेविल है और वो वोल्कोनो की तरफ जाते हैं। एक वोल्कोनो जिसमें कि मेटेलिक ओर है, यानी कि जो खनिज एक तरह से ओर होते हैं, जो अयस्क होते हैं यानी कि खनिज पदार्थ होते हैं, तो उस वोल्कोनो की तरफ जाते हैं और वो उसको डिक करना शुरू कर देते हैं, उसको वो खोदना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर उनको एक बंच ऑफ गोल्ड यानी कि सोने की एक बंच मिलती है। एक सेकेंड ग्रुप है वो कुछ अलग होकर उनसे जो है और जो ओर हैं यानी कि जो अयस्क है उसको खोदने लगता है फ्रॉम द रॉक्स चट्टान से विद द हेल्प ऑफ लिक्विड फायर, यानी कि वो लिक्विड फायर से जो है जो अयस्क है उसको चट्टान से अलग करने लगता है। और तीसरा ग्रुप जो है वो ओर को मोल्ड में डालने लगता है, यानी कि एक मोल्ड वो बना देते हैं और उसमें वो जितने अयस्क थे वो उसमें उसको डालते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। और इस बिल्डिंग को कौन बनाता है, इसको बनाता है मुल्सीबर। मुल्सीबर को जो है आर्किटेक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग जो है बन जाती है। ये एक ह्यूज टेंपल की तरह लगती है। इसमें जो है स्कल्पचर्स होते हैं, ह्यूज पिलर्स होते हैं और इसकी जो रूफ़ होती है वो भी गोल्डन की होती है, वो भी सोने की बनी हुई होती है। और इसको नाम दिया जाता है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पैंडेमोनियम किसने बिल्ड किया था, किसने क्रिएट किया था, तो डेट वॉज मुल्सीबर। मुल्सीबर ने जो है पैंडेमोनियम को बनाया था। अब जितने भी फॉलन एंजल्स थे वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं काउंसिल करने के लिए और वो अपने साइज को बहुत छोटा कर लेते हैं। वो ड्वार्फ, छोटे छोटे जो ड्वार्फ्स होते हैं उनकी तरह बन जाते हैं ताकि वो जो है सारे उस पैंडेमोनियम के अंदर आ सके, पैंडेमोनियम के अंदर आकर वो फिट हो सके। इसीलिए जो है वो अपने साइज को बहुत छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है बुक फर्स्ट ख़त्म हो जाती है। पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड। अब बुक सेकंड स्टार्ट होती है। बुक फर्स्ट जो है ख़त्म हो गई थी। पैंडामोनियम में जितने भी फॉलन एंजल्स थे वो सब अंदर चले गए थे। अब बुक सेकंड स्टार्ट होती है। बुक सेकंड में दिखाया जाता है कि जो शैटन है वो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। पैंडामोनियम के अंदर जो है उसका थ्रोन बन गया है और वो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। और वो जो है अपनी आर्मी को एड्रेस करता है। वो अपनी आर्मी को कहता है कि उसके अंदर अभी भी होप है, उसे अभी भी उम्मीद है कि वे जो है हेवन को रिगेन कर लेंगे, वो हेवन को जीत लेंगे। उसे अभी भी ऐसा लगता है। वो कहता है कि अब हमें डिस्कस करना चाहिए कि हम गॉड से किस तरह लड़े, हम क्या रास्ता अपनाएं जो हम गॉड से लड़ सके। सबसे पहले जो है मोलोज बोलता है। मोलोज कहता है, मोलोज जो है वो फेवर में है वॉर के। वो कहता है कि गॉड के साथ हमें एक ओपन वार करना चाहिए। वो ओपन वार के फेवर में है। लेकिन जो बिलाल है, बेलियल या जो है वो इस फेवर में नहीं है। वो कहता है कि ओपन वार नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ओपन वार गॉड से करेंगे तो वो कभी भी नहीं जीत पाएंगे। वो कहता है कि हेल में रहना ही बेहतर है देन डेथ, यानी कि मरने से तो अच्छा है कि हम लोग हेल में ही रहे। हम लोग अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हो सकता है कि हमें जिंदा जला दिया जाए, या फिर या ऐसा हो भी सकता था भगवान ने जो है हमें, गॉड ने जो है हमें हेल में डाल दिया है, उन्होंने हमें और ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी। ऐसा भी हो सकता था कि वो हमें जिंदा जला देते हेल की फायर से, या फिर जो ये बर्निंग लेक है इसमें हमें चैन से बांध देते। तो ऐसा नहीं हुआ है, तो मरने से तो अच्छा है कि हम हेल में ही रहे। उसके बाद जो है मोमोन वो उठता है। वो कहता है कि गॉड को हराना तो इम्पॉसिबल है, और अगर वो हम लोगों को माफ़ भी कर देते हैं तो हम लोगों को उनके स्लेव बनकर रहना पड़ेगा और उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, यानी कि हमें उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, उन्हें ट्रिब्यूट जो है हमें अपनी पूरी लाइफ देनी पड़ेगी और हमें उनका स्लेव बन जाएंगे अगर उन्होंने हमें माफ़ भी कर दिया। और अगर हम उनसे वार करते हैं तो हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन हम जो हेल में रह रहे हैं तो हम यहाँ पर फ्री हैं, हम मुक्त हैं, हम किसी के स्लेव नहीं हैं। और अगर हम थोड़े सा हार्ड वर्क करें तो हम इसको भी जो है बेटर बना सकते हैं, हम इसको अपने रहने योग्य बना सकते हैं, हम अपनी जो सिचुएशन है उसको हम बेस्ट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर रहे। मैमन ऐसा कहता है, लेकिन मैमन से जो है सब एग्री नहीं करते। सबको नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम लोग जो है हेल में चुपचाप रहे, हम गॉड से कोई बदला ना ले। तभी जो है बिलजेबब उठता है और बिलजेबब कहता है कि तो जोक है कि हम यहाँ पर अपना एम्पायर बना सकते हैं, क्योंकि जो गॉड है उसका जो डोमिनेशन है वो हर जगह है, हेल पर भी जो है उसका डोमिनेशन है। तो फिर बिलजेबब कहता है कि एक र्यूमर है, एक मैंने ऐसा सुना है कि जो गॉड है वो एक न्यू वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हैं, वो एक न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं, तो हमें जो है जाकर उस वर्ल्ड को देखना चाहिए।
जितने भी फॉलन एंजल्स थे वो सब बेलजबूब की बात से एग्री करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद जो है बेलजबूब फिर बोलता है कि बेलजबूब जो है उन सभी फॉलन एंजल्स से पूछता है कि तुम में से कौन इतना बहादुर है जो जाए और उस वर्ल्ड को देखे, उस वर्ल्ड को देखे कि वहाँ पर क्या है, इतना बहादुर कौन है। लेकिन जो जितने भी एंजल्स थे, जितने भी फॉलन एंजल्स थे, वो सब चुपचाप हो जाते हैं क्योंकि वो डर रहे थे, वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि हेल से बाहर जाना जो है बहुत ही मुश्किल था, तो वो कोई भी उनमें से तैयार नहीं होता, वो सब चुप बैठ जाते हैं। इसके बाद जो है शैतान उठता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि जो है हेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिजन है और इससे बाहर जाना बहुत ही हार्ड है, लेकिन अगर कोई इससे बाहर चला गया तो उसको जो है डार्क प्लेस और मतलब उसको डील करना पड़ेगा, एक बाहर जो है बिल्कुल कायस है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उससे डील करना जो है बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई यहाँ से बाहर चला भी गया, पहले तो बात की हेल से बाहर जाना ही मुश्किल है क्योंकि हेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिजन है, इससे बाहर जाना ही मुश्किल है, लेकिन अगर कोई इससे बाहर निकल भी गया तो बाहर का जो एटमोसफेयर है उससे डील करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्योंकि वो एक लीडर है और उसे ब्रेव होना चाहिए, वो अपने आप को कह रहा है क्योंकि मैं एक लीडर हूँ और मुझे ब्रेव होना चाहिए, मुझे नहीं डरना चाहिए, तो यह काम मैं करूँगा, मैं जाऊँगा और मैं उस नए वर्ल्ड को देखूँगा कि भगवान ने गॉड ने उसमें क्या बनाया है और हम कैसे उसे मैशअप कर सकते हैं। तो जितने भी सारे एंजल्स थे वो खुश हो जाते हैं। फिर वो एंजल्स से कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और तुम्हें तुम जो हो जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक जो है तुम हेल को कम्फर्टेबल बनाओ, कुछ यहाँ पर मतलब अच्छी चीज़ें बनाओ ताकि ये कंफर्टेबल हो सके हमारे लिए, जब तक तुम हेल में कुछ काम करो तब तक जो है मैं जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि गॉड ने क्या बनाया है, उस वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं। जितने भी फॉलन एंजल्स थे वो अपने लीडर की रेस्पेक्ट करते हैं और वो उन्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं मानो वो कोई गॉड हो, क्योंकि सैटर्न जो है उन सबके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हो रहा है। सैटर्न जो है मतलब सैटर्न करेजियस अपना दिखा रहा है, वो करेज दिखा रहा है कि वो बाहर जाएगा, वो हेल से बाहर जाएगा और उस वर्ल्ड को देखेगा। तो सभी जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, वो उसे गॉड की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब जो है जितने भी हाईएस्ट रैंकिंग के एंजल्स थे वो सभी पैंडामोनियम से सैटर्न के साथ बाहर निकल आते हैं। अब जो लीडर्स थे यानी कि जितने भी जो वहाँ पर फॉलन एंजल्स थे उनके ग्रुप्स थे, दो तीन ग्रुप्स उनके बन गए थे, तो जो जो उनके लीडर्स थे वो सभी जो है अलग अलग रास्ते की ओर चले जाते हैं देखने के लिए, कोई रिलैक्स करने के लिए, चिल आउट करने के लिए, और वो जो है सैटर्न के वापस आने का वेट वहाँ पर करने लगते हैं। कुछ जो एंजल्स हैं वो रॉक्स को टीयर अप करते हैं और एक ह्यूज रकेस बना देते हैं, और उनमें से जो है कुछ लोग जाते हैं और गाना गाने लगते हैं, और कुछ लोग जो है हिल्स पर जाते हैं मेडिटेट ऑन फिलोसोफिकल सब्जेक्ट, ताकि वो फिलोसोफिकल सब्जेक्ट पर मेडिटेट कर सकें, फिलोसोफिकल सब्जेक्ट है जो उस पर बातें वो कर सकें, और कुछ जो है उनमें से रेस भी लगाने लगते हैं। इसका मतलब जितने भी फॉलन एंजल्स थे सब जो है अपना अपना काम करने लगते हैं, कोई रॉक को टीयर अप करता है, कोई रॉकेस बना रहा है, कोई सिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई हिल पर बैठकर बातें कर रहा है फिलोसोफिकल सब्जेक्ट पर, और कोई रेस कर रहा है। तो सब जो है एंजल्स इधर उधर जाकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक जो ग्रुप है वो प्लटून बन जाता है, यानी कि असेंबल्स इनटू प्लटून में जो है वो एक तरह की आर्मी में जो है असेंबल हो जाता है, और वो कोई नाइसर प्लेस ढूंढने के लिए जो है ताकि वो किसी अच्छे जगह पर रह सके, तो अपनी प्लटून के साथ जो है वो ग्रुप चलने लगता है, वो कोई नाइसर प्लेस ढूंढने लगता है। अब जितने भी ग्रुप्स थे वो जो हेल में चार रिवर है, एक्चुअली हेल में टोटल पांच रिवर है, लेकिन जो ग्रुप्स थे वो हेल के जो चार रिवर्स थे उनके बैंक पर वो ट्रैवल करने लगते हैं। कौन कौन सी जो रिवर थी, वैसे तो हेल में फाइव रिवर हैं लेकिन जो चार रिवर जिनके वो बैंक पर जाते हैं, डेट इज स्टाइक्स। स्टाइक्स जो है वो एक हेटफुल रिवर है, द हॉरर ऑफ डेथ उसमें दिखता है। नेक्स्ट है एकेरन, एकेरन जो है द रिवर ऑफ वो की से रिवर कहा जाता है, वो यानी कि दुख। फिर है कोकेटिस, कोकेटिस जो है द रिवर ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंटेशन की रिवर ये कही जाती है। और फेलेक्टन, फेलेक्टन जो है द रिवर ऑफ फायर। तो इन चारों रिवर के बैंक पर वे घूमने लगते हैं। और जो वो पलटून थी इन सभी के बाहर जो इन सभी के बियॉन्ड जो है एक और रिवर है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस उसे कहा जाता है, और उसका नाम है लिथे, लिथे द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो उन सबको जो है वो रिवर दिखाई देती है, और उस रिवर से भी बियॉन्ड पलटून्स को एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है, इज़ ए फ्रोजन वेस्टलैंड,
यानी कि जो हेल है उसमें जो है फ्रोजन वेस्टलैंड भी उनको दिखाई देता है, क्योंकि अब तक जो हमने देखा था कि हेल में हर तरफ जो है आग लगी हुई थी, हेल बिल्कुल जल रहा था, लेकिन जब वो बियॉन्ड रिवर जाते हैं, वो रिवर से उधर जाते हैं, रिवर के वो बियॉन्ड चले जाते हैं, तो उनको एक फ्रोजन वेस्टलैंड दिखाई देता है जहाँ पर कि बर्फ़ जम रही है, हीलिंग हो रही है, यानी कि वहाँ पर जो है हेल स्टोन्स पड़े हैं और वहाँ पर जो है बर्फ़ भी गिर रही है, स्नोइंग वहाँ पर स्नोफॉल वहाँ पर हो रहा है। अब हमें सैटर्न दिखाया जाता है, सैटर्न जो है गेट पर चला जाता है, हेल के गेट पर वो पहुंच जाता है, और जो गेट है वो दिखाया गया कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसके चारों ओर भी जो है फायर लगी हुई है, यानी कि आग जो है उनके चारों ओर लगी हुई है। वहाँ पर तीन गेट है, एक गेट जो है ब्रास का बना हुआ है, दूसरा गेट आयरन का, और एक जो तीसरा गेट है वो एडामेंटाइन रॉक का, एडामेंटाइन यानी कि कड़ी चट्टानों से, यानी कि बहुत ही मोटी कड़ी चट्टानों से जो है वो गेट बना हुआ है। अब वहाँ पर जो है सैटर्न देखता है कि वहाँ पर दो गार्ड खड़े हैं, गेट के हर साइड पर एक एक गार्ड खड़ा है, यानी कि दोनों साइड पर वो दो गार्ड को वहाँ पर देखता है। एक जो गार्ड है उनमें से एक फ़ीमेल है एक मेल है। जो फीमेल है उसकी जो मतलब उसकी जो शेप है ना वो बड़ी अजीब है, वो हाफ़ तो वुमन है और हाफ जो है वो सांप है, यानी कि सेपेंटाइन है हाफ़ और हाफ वो वुमन है। और उसके जो वेस्ट है उसके जो चारों ओर लिटिल हेल हाउंड्स हैं, छोटे छोटे जो हेल हाउंड्स हैं, एक तरह से नर पिसाज, हेल हाउंड्स कहते हैं नर पिसाज को, वो जो है लगातार बार्क कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, और कभी कभी जो है वो उसकी वॉर्म में चले जाते हैं और कभी कभी वो भौंकने लगते हैं। यानी कि ये बहुत ही डिसगस्टिंग सा एक सीन जॉन मिल्टन जी ने यहाँ पर दिखाया है। जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये जो है ये फीमेल वाली जो फीमेल जो वहाँ पर गार्ड है वो दिखाई गई है, इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो हाफ है हाफ ये वुमेन है और ये जो हाफ है ये सरपेंट है, और इसके चारों ओर छोटे छोटे से हेल हाउंड्स है लाइक दिस, ये जो है ये हेल हाउंड्स है जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं, वो कभी बार्क कर रहे हैं और कभी कभी जो है वो उसके वॉक में चले जाते हैं। और ये जो है यहाँ पर सेकंड गार्ड ये दिखाया गया है, ये डेथ है और ये जो है ये सैटर्न है। और दूसरी साइड में जो है एक डार्क और ब्लैक मतलब एक शेप है जो बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल डार्क है, ब्लैक है और शेपलेस है वो, और बहुत ही वो टेरिबल दिखाई दे रहा है। और उसने जो सर पर एक फिक क्राउन पहना हुआ है अपने सर पर, सैटर्न उसे कहता है कि उसे बाहर जाना है और वो बाहर जाकर रहेगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो डेथ है वो उसका रास्ता रोक लेता है, यानी कि जो वो शेपलेस थी, जो वो शेपलेस एक टेरिबल सी है वो उसको रास्ता रोक लेता है, और वो उसे कहता है कि यहाँ का जो इंचार्ज है वो है ना कि सैटर्न। और वो फिर उससे पूछता है कि क्या तुम वही रेबल एंजल हो जिसने हेवन में ह्यूज वार स्टार्ट की थी, और मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। सैटर्न और जो वो फिगर थी वो आप एक दूसरे को घूरते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वे अब आपस में लड़ने वाले हो, लेकिन तभी जो वो फीमेल थी वो बीच में बोलती है, वो सैटर्न से कहती है कि तुम अपने बेटे को ही क्यों मारोगे, तुम अपने बेटे को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। और अपने बेटे से भी वो यही कहती है, डेथ से भी वो यही कहती है कि तुम्हें अपने फादर को मारकर क्या मिलेगा। तो सैटर्न कहता है कि वो क्या बात कर रही है, सैटर्न को समझ भी नहीं आता, और वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। तब वो उसे बताती है कि जब तुम हेवन में थे और तुम जो प्लानिंग कर रहे थे रिवोल्ट की, तो उस टाइम मैं तुम्हारे हेड के लेफ्ट साइड से निकली थी, मैंने जो है तुम्हारे हेड के लेफ्ट साइड से जन्म लिया था, और जितने भी रेबल एंजल्स थे उन्होंने मुझे सिन का नाम दिया था, यानी कि मैं सिन हूँ, कि वो पाप, इस तरह से जो है सिन का मतलब होता है पाप, यानी कि वो पाप है। जब सैटर्न के मन में पाप आया था तब उसका जन्म हुआ था, तो वो कहती है कि मैं सिन हूँ। और फिर उसके बाद जो है सैटर्न ने उसे एक सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके साथ बनाई थी, यानी कि उसका रेप उसने सैटर्न ने किया था और उसे इम्प्रेगनेंट कर दिया था। फिर वो जितने भी एंजल्स जो है हेवन से गिरे थे उसी के साथ जो है वो भी हेवन से गॉड ने उसको गिरा दिया था, गॉड ने उसको भी जो है हेल में फेंक दिया था, और उसे हेल की दी गई थी, और हेल में आकर जो है उसने डेथ को जन्म दिया। अब जो है डेथ ने भी सिन का रेप किया, और उस रेप करने से जो वो छोटे छोटे हेल हाउंड्स हैं जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं, जो उसकी कभी कभी वॉर्म में चले जाते हैं, उनका जन्म हुआ। तो अब जो होल है जो सॉरी जो वे हेल हाउंड्स हैं वो होल करते हैं, नो आउट करते हैं उसके अंदर से, तो इसका मतलब कि वो सिन थी जो वो सैटर्न की बेटी थी, सैटर्न ने उसका रेप किया, फिर डेथ का जन्म हुआ, फिर डेथ ने सिन का रेप किया तो वो हेलाउंस का जन्म हुआ। तो इसके बाद सैटर्न सिन से कहता है कि मैं जो हूँ एक नया वर्ल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है ताकि गॉड ने जो नया वर्ल्ड बनाया है मैं उसे देख सकूँ, और अगर मैंने वह वर्ल्ड ढूंढ लिया
तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दैत्य यानी कि दोनों को जो है मैं वहाँ पर फ्री कर दूंगा, मैं तुम्हें दोनों को वहाँ पर जाने दूंगा, तुम वहाँ पर जो है फ्रीली घूम सकते हो। तो सिन कहती है कि हालांकि गोड ने मुझे मना किया है कि मैं ये गेट ना खोलूँ, लेकिन क्योंकि तुम मेरे फादर हो, गोड मेरे फादर नहीं है, तुम मेरे रियल फादर हो, तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। और वो जो है गेट खोल देती है। और जैसे ही गेट खुलता है तो हमें कायस दिखाया देता है, कायस दिखाया जाता है। कायस जो है बिल्कुल मतलब एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल वहाँ का बिल्कुल ही अलग है। वहाँ से बहुत सारी आवाज़ें हम सुन सकते हैं, बहुत सारा फ्लेम्स और स्मोक्स हम देखते हैं। सैतन उस प्लेस को देखता है, इसे कायस कहते हैं। ये मतलब हॉट भी है, ये कोल्ड भी है, ये मॉइस्ट भी है और ये ड्राई भी है, यानी कि सब एक साथ है। हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट, ड्राई, ये सब कुछ एक साथ है। और ये बहुत ही लाउड है, यानी कि यहाँ बहुत तेज जो है आवाज़ें आ रही है। अब जो है सैटर्न बाहर जाता है, वो बहुत सारे जो है रास्ते में उसको बहुत सारे स्ट्रेंज हाइब्रिड सब्सटेंसेस मिलते हैं। कहीं पर उसे चलकर जाना पड़ता है, कहीं पर उसे उड़कर जाना पड़ता है, कहीं पर उसे क्रॉल होकर जाना पड़ता है, और कहीं पर उसे तैर कर जाना पड़ता है। यानी कि जो भी उसे रास्ता देखते मिलता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग उसे मिलता है, क्योंकि वो कायस है। कायस में सब कुछ जो है बिल्कुल ही डिसऑर्डर होता है। फिर उसके बाद जो है वो कायस के थ्रोन के पास पहुंचता है, जो कायस का राजगद्दी थी वो उसके पास जाता है। कायस के जो एक किंग थे उसके पास वो जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं जो हूँ कोशिश कर रहा हूँ हेवन का बॉर्डर ढूंढने की। और वो जो है उससे हेल्प मांगता है, उसे कहता है कि क्या तुम मुझे डायरेक्शन बता सकते हो। तो कायस का जो राजा है, कायस जो है उसे सैटन को कहता है कि तुम तो वही रेबल एंजल हो ना जिन्होंने जिसने हेवन में वॉर किया था गॉड के साथ। तो ठीक है, कायस जो है सैटन को अर्थ का जो रास्ता है वो दिखा देता है और सैटन एक फायर के पिरामिड की तरह वहाँ पर वहाँ से चला जाता है। अब सैटन जो है वो हेवन की ओर जाता है, क्योंकि हेवन के बॉर्डर पर उसे जाना था, अर्थ पर उसे जाना था। तो वो हेवन के बाहर से वो निकलता है, तब वो देखता है कि हेवन में जो है लाइट जल रही है। और वो ये भी देखता है कि जो यूनिवर्स है वो हेवन से एक गोल्ड की चैन से लटका हुआ है। यूनिवर्स जो है वो गोल्ड की चैन से लटका हुआ है। देखिए जैसे ये है, ये हेवन है और हेवन से ये जो है गोल्ड चैन लटकी हुई है जिसमें ये सब लटके हुए हैं। ये पूरा जो है यूनिवर्स है, हेल, सन, मून और भी जो प्लैनेट है और जो ये अर्थ है। तो और जो ये इसके इधर उधर का जो भी ये एटमोसफियर है ये कायस कहलाता है, यानी कि जो ये बाहर का एटमोसफियर है ये सब कायस है। और ये हेवन के से गोल्ड चैन से ये सब प्लैनेट्स जो है जो गॉड ने बनाए हैं वो सब गोल्ड की चैन से लटके हुए हैं। तो सैटन जो है इस चीज़ को भी देखता है जब वो कायस में घूम रहा होता है। सैटन हेल से जा रहा है और उसको जो है अर्थ पर जाना है, तो उसको जो है हेवन का बॉर्डर पार करना पड़ेगा, तब वो अर्थ पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो है बुक सेकंड फिनिश होती है। बुक थर्ड स्टार्ट होती है तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में जो है पोइट जॉन मिल्टन म्यूजिस को इन्वोक करते हैं। जब हमने देखा था, जब ये पोएम स्टार्ट हुई थी फर्स्ट बुक में भी जो है जॉन मिल्टन ने म्यूजिस को इन्वोक किया था, और अब बुक थर्ड में वो म्यूजिस को इन्वोक करते हैं। तो अब तक जो है वो दो बार म्यूजिस को इन्वोक कर चुके हैं। वो बोलते हैं कि मैं अब जो हूँ हेवन में जा रहा हूँ, मैं अब हेवन को विजिट करूँगा और मैं जो हूँ हेवनली लाइट को फील कर सकता हूँ। जो हेवनली लाइट है मैं उसे फील तो कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता, क्योंकि जो जॉन मिल्टन थे वो ब्लाइंड हो चुके थे, वो कुछ नहीं देख सकते थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, मैं हेवनली लाइट को नहीं देख सकता, मैं केवल उसे फील कर सकता हूँ। उसके बाद जो है जॉन मिल्टन जो अदर पोइट्स रहे हैं, प्रोफेट्स रहे हैं, जो कि जॉन मिल्टन की तरह ही ब्लाइंड हो गए थे, तो जॉन मिल्टन उनको याद करते हैं। जैसे होमर थे, टायरिसियस थे, टायरिसियस जो एक प्रोफेट थे, होमर एक पोइट थे, तो वो उनको याद करते हैं। तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि वो जॉन मिल्टन जो हैं वो उनके इक्वल हैं ब्लाइंडनेस में, क्योंकि वो भी ब्लाइंड थे, जॉन मिल्टन भी ब्लाइंड है, तो ब्लाइंडनेस में तो वो उनके इक्वल हो गए हैं, लेकिन वो फेम में भी उनके इक्वल होना चाहते हैं, क्योंकि होमर और टायरिसियस बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं। तो जॉन मिल्टन चाहते हैं कि मैं उन्हीं की तरह फेमस भी हो जाऊं, जैसे मैं उनकी तरह ब्लाइंड हो गया हूं, उन्हीं की तरह मैं फेमस भी होना चाहता हूं।
जो पोइट है वो कुछ नहीं देख सकते, इसीलिए जो है वो कैलेसियल लाइट को बुलाते हैं। कैलेसियल लाइट से वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा मेंटल विज़न दे दो, मुझे कोई इस प्रकार की मेंटली पावर दे दो कि मैं जो अपनी पोइट्री हूँ उसे कंपोज कर सकूँ, मैं अपनी पोइट्री को कंपोज कर सकूँ और मैं उन चीज़ों के बारे में लिख सकूँ, उन चीज़ों के बारे में बता सकूँ जिसे कोई ह्यूमन नहीं देख सकता, किसी भी तरह नहीं देख सकता। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो हेवन को नहीं देख सकते, वो हेल को नहीं देख सकते, क्योंकि हम नहीं देख पाते हेवन कैसा है, हेल कैसा है। तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूं कि जो ह्यूमन है जो उसे नहीं देख सकते वो भी उनको फील कर सके। अब जो है हम हेवन में जाते हैं, वहाँ पर गॉड बैठे हुए हैं और वो जो है अपने क्रिएशन को देख रहे हैं, अपने एंजल्स को, एडम ईव को, शैटन को, क्योंकि गॉड की नज़रों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो सब कुछ देख सकते हैं। उन्हीं के बराबर में जो है उनका बेटा बैठा हुआ है। अब गॉड जो है अपने बेटे से बातें करते हैं, वो अपने बेटे को सैटन का जो द्वेष है, सैटन की जो द्वेष भावना है उसके बारे में बताते हैं। गॉड जानते हैं कि सैटन क्या करने वाला है, सैटन के माइंड में क्या चल रहा है, और वो ये भी जानते हैं कि जो सैटन है वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाएगा। वो जो है मैनकाइंड को टेम्प्ट कर देगा, मानवता का वो फॉल डाउन जो है डाउनफॉल मानवता को हो जाएगा, मानवता का डाउनफॉल बिकॉज ऑफ सैटन। सैटन जो है अपने अटेम्प्ट में सक्सेस हो जाएगा, गॉड को ये भी पता है। और गॉड जो है वो कहते हैं कि जो भी मैन है या एंजल्स है सबकी अपनी विल है, सबकी अपनी चॉइस है, फ्री विल है कि वो क्या करना चाहते हैं या वो क्या चूज़ करना चाहते हैं। और गॉड यहाँ पर यह भी बताते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी प्री डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि अगर हम ये बोल दें कि ये तो इसकी डेस्टिनी में लिखा था, लेकिन तो गॉड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है, कोई प्री डेस्टिनी किसी की भी नहीं है, चाहे वो मैनकाइंड हो, शैटन हो या जो अदर रेबल एंजल्स हो, अगर उनका डाउनफॉल होता है तो वो उनकी अपनी चॉइस से होता है। क्योंकि सैटर्न और रेबल एंजल्स की अपनी चॉइस थी कि वो गॉड से जो है फाइट करेंगे, वो उनसे युद्ध करेंगे, तो उनका जो डाउनफॉल हुआ है, वो जो हेल में गए हैं, वो उनकी अपनी चॉइस थी। और अगर मानवता का भी डाउनफॉल होता है तो वो उनकी अपनी चॉइस होगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता या मैंने कुछ भी जो है प्रीडेस्टिनी नहीं की है, मैंने कुछ भी उनकी डेस्टिनी में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन गॉड ये जरूर कहते हैं कि क्योंकि जो मैनकाइंड है उनको डिसीव किया जाएगा, यानी कि उसको जो है धोखा दिया जाएगा, तो मैं उनके ऊपर अपना कुछ ग्रेस दे दूंगा, यानी कि कुछ पॉइंट में जो है मैं उन पर कृपा कर दूंगा। लेकिन शैटन और कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शैटन है वो जानबूझकर जो है ये गलत काम करेगा। मैनकाइंड को तो धोखा दिया जाएगा, लेकिन शैटन जो भी करेगा वो जानबूझकर करेगा, सब कुछ जानते हुए करेगा, जो शैटन है और उसके जो रेबल एंजल्स है। गॉड के जो सन है वो बोलते हैं, वो गॉड की प्रशंसा करते हैं कि मतलब आप बहुत अच्छे हो, आप जो है मानवता पर अपनी ग्रेस दिखाओगे, तो वो उसकी गॉड के जो सन है वो गॉड की प्रेस करते हैं, प्रशंसा उनकी करते हैं। इसके बाद गॉड फिर से बोलते हैं, वो अपने बेटे को बताते हैं कि मैं जो हूँ माइंड को पढ़ सकता हूँ, एग्जैक्टली मैं सबके माइंड को पढ़ सकता हूँ। कुछ लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर कुछ लोग बचेंगे तो वो उनकी अपनी ओवन विल होगी, वो उनकी अपनी इच्छा होगी, ना कि मेरा कोई ग्रेस होगा। ये नहीं होगा कि मैं उन पर ग्रेस करूँगा इसीलिए वो बचेंगे, वो अपनी ओवन विल से बचेंगे, क्योंकि सबके अंदर एबिलिटी है कि वो मेरी कॉल को सुन सके। हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि उसे अपना अच्छा बुरा समझ में आ जाए। गॉड की जो कॉल है, जो गॉड बोलते हैं हमारे साथ, मतलब हमें जो अच्छी अच्छी बातें जो है हमारे माइंड में जो अच्छी चीज़ें आती हैं, तो ये हमारी ओवन विल है कि हम उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो जितने भी लोग हैं सबकी अपनी एबिलिटी है, और गॉड कहते हैं कि मैं जो हूँ सब के अंदर एक कॉन्शियंस जो है उसको इम्प्लांट कर दूंगा, ताकि वो मेरी आवाज़ सुन सके। लेकिन अब ये डिपेंड उन पर करता है कि वो मेरी आवाज़ सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अगर वो मेरी आवाज़ सुनेंगे तो वो उनको हेल्प करेगी टू अचीव करने के लिए ग्रेस, हेवन, या फिर जो भी उनके लिए सेफ प्लेस होगा, यानी कि जो भी उनके लिए सेफ चीज़ है वो मेरी ग्रेस है, हेवन है, या जो भी है वो उसमें मदद करेगी अगर वो मेरी आवाज़ को सुन सकेंगे। लेकिन गॉड यहाँ पर वरीड भी हैं, वो वरीड हैं ऑल मैंस सिंस के लिए, यानी कि लोगों के जो पाप हैं उसके लिए हैं जो गॉड, वो बहुत वरीड हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है इसके लिए, इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, केवल एक ही सॉल्यूशन इसका है कि हम में से कोई एक जो एंजल्स हैं उनमें से कोई एक मोर्टल बने, कोई जो है धरती पर जन्म ले और फिर उन लोगों के पाप के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस वो कर दे, उनके लिए वो मर जाए।
तो मानव के जो पाप है वो मिट सकते हैं। अब गॉड जो है अपने सभी एंजल से पूछते हैं कि ऐसा करने के लिए कौन तैयार होगा, लेकिन गॉड की बातें सुनकर कोई भी एंजल तैयार नहीं होता। सब जो है एंजल्स वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी जो गॉड के सन है वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं यह काम करूँगा, मैं जो हूँ मैं मोर्टल बनूंगा और मैं लोगों के पाप के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगा। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं रियली में नहीं मरूंगा क्योंकि मैं तो इमोर्टल हूँ। हाँ, मैं मोर्टल बनकर जन्म लूंगा, मैं मानव जाति में जन्म लूंगा, लेकिन मैं नहीं मर पाऊंगा। मैं जो हूँ अपने डेड बेड से दोबारा उठूंगा, मैं सैटर्न को डिफीट करूंगा और डेथ को भी मैं डिफीट करूंगा, सैटर्न और डेथ दोनों को मैं हराऊंगा। उसके बाद जो मैं हेल में जाऊंगा उसको जो है हेल को कैपिटिव करूंगा, हेल को जो है मैं जीत लूंगा और उसके बाद मैं वापस हेवन में लौट आऊंगा। तो यहाँ पर जो गॉड के सन की बात हो रही है ये जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। जीसस क्राइस्ट ने जो है धरती पर जन्म लिया था, लोगों के पाप के लिए उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था और जब उनको हैंग कर दिया गया था तो उसके बाद उन्होंने दोबारा जन्म लिया था। तो जो गॉड के सन है वो जीसस क्राइस्ट हैं। इसके बाद जो है गॉड अपने बेटे से कहते हैं कि थैंक गॉड फॉर यू माय सन, अदरवाइज मैन वुड हैव बीन टोस्ट, कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे बेटे हो, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैनकाइंड भी नहीं होती। और वो ये भी कहते हैं कि जितनी भी ह्यूमन रेस है, जो एंटायर ह्यूमन रेस है, वो केवल तुम्हारे इंटरसेशन से ही बच पाएगी, तुम्हारे सेक्रीफाइस के कारण ही जो है वो बच पाएगी। और वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें जो हूँ इस पूरे यूनिवर्स का सोल रूलर बना दूंगा, जो तुम जो हो अकेले इस यूनिवर्स पर राज करोगे। गॉड कहते हैं कि ऑल नी टू दी शैल बो ऑफ देम दैट बाइड इन हेवन और अर्थ और अंडर अर्थ इन हेल, यानी कि चाहे हेवन हो, अर्थ हो या फिर अर्थ के नीचे हेल हो, सब लोग जो है तुम्हारे आगे झुकेंगे, तुम्हारे आगे अपना सर झुकाएंगे, तुम वहाँ पर रूल करोगे। इसके बाद जो है गॉड आगे की बताते हैं आगे क्या होगा। गॉड कहते हैं कि फिर एक बार जो है एक क्लास डूम होगा, एक क्लास जजमेंट होगा, जब जो गॉड का सन है वो जजमेंट करेंगे, वो जो बुरे लोग हैं उनको हेल में भेजेंगे, जो अच्छे लोग हैं वो उनको हेवन में भेजेंगे, और इसके बाद जो है हेल बिल्कुल बंद हो जाएगा और जो अर्थ है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी, वो बिल्कुल जल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और फिर से एक नया हेवन और एक नया अर्थ जो है वो इमर्ज होएगी, नया अर्थ नई हेवन बनेगी। जो हेवन में जितने भी एंजल्स थे सब लोग जो हैं प्रेज करते हैं, गॉड की चीयर करते हैं, वो हाइमंस गाते हैं, वो खुशी के गीत गाते हैं और सभी जो है गॉड के और उनके बेटे के आगे झुक जाते हैं। तो ये हेवन का सीन था। अब हम सैटर्न की ओर चलते हैं कि सैटर्न क्या कर रहा है। सैटर्न कायस में घूम रहा है, इधर उधर वो अपने रास्ता ढूंढ रहा है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। अब वो जो है यूनिवर्स के आउटर एज पर पहुंच जाता है। इसके बाद जो है वो सर्च कर रहा है कोई और फर्टाइल पेस्चर्स, लेकिन फिर उसे एक बैरन रेन दिखता है और उसके ऊपर जाकर वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से वो हेवन के गेट को देख सकता है। वो देखता है कि जो हेवन के गेट है वो डायमंड, गोल्ड और अदर जो ज्वेल्स हैं उनसे बने हुए हैं और उनमें जो है एक सेट है स्टेयर्स का, सीढ़ियाँ बनी हुई है जो कि यूनिवर्स से हेवन की ओर जाती है। तो वो उन सीढ़ियों को देख रहा है और उनके गेट को देख रहा है और उसी सीढ़ियों के नीचे जो है एक पोर्टल है जो कि यूनिवर्स में खुलता है। सैटर्न सीधा जो है उस पोर्टल की ओर उड़ जाता है। जब वो उस पोर्टल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो सन पर लैंड हो गया है, यानी कि वो सूरज के ऊपर आकर लैंड होता है। सूरज जो है बहुत ही ब्राइट और कलरफुल है। सैटर्न चारों ओर देखता है यूनिवर्स में, ये बहुत ही सनी है, यानी कि यहाँ पर जो है धूप खिली हुई है। फिर उसे एक एंजल दिखाई देता है जो कि सन के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो पीठ है वो सैटर्न की तरफ है, यानी कि जो एंजल है वो सैटर्न को नहीं देख सकता। वो बहुत ही बिजी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शायद वो कुछ सोच रहा हो। तो सैटर्न जो है तुरंत अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है, वो एक चीरप में बदल जाता है, क्योंकि अगर जो वो एंजल था अगर वो सैटर्न को उसके रूप में देख लेता तो वो उसकी हेल्प नहीं करता। इसीलिए जो है सैटर्न अपने आप को एक चीरप में चेंज कर लेता है और अब वो उस एंजल के पास जाता है और उसे वो बातें करने लगता है। एंजल उसकी आवाज़ सुनकर मुड़ता है। ये जो एंजल था ये यूरियल था। यूरियल उन सेवन एंजल्स में से एक है जो कि गॉड के थ्रोन के पास खड़े होते हैं, यानी कि जो गॉड का थ्रोन है, गॉड का जो राजगद्दी है, उसके पास जो सात एंजल्स खड़े होते हैं उनमें से एक यूरियल है। सैटर्न यूरियल से कहता है कि मैंने सुना है गॉड ने बहुत ही सुंदर एक क्रिएशन की है, बहुत ही सुंदर गॉड ने वर्ल्ड बनाया है जहाँ पर ह्यूमन बींग रहती है, तो मैं वह वर्ल्ड देखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह वर्ल्ड कहाँ पर है।
अब यूरेल कहता है कि उस वर्ल्ड की ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा वर्ल्ड जो है गॉड ने बनाया है, मैंने भी इसको देखा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तुम जाओ और उसे देखो। तो यूरेल जो है उस शैटन को मतलब जो अर्थ है, जो गार्डन ऑफ एडन है, उसका रास्ता बता देता है, इशारा करके जो है उसकी लोकेशन वो सैटर्न को बता देता है। सैटर्न उसे धन्यवाद देता है और अर्थ की ओर जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पर जो है बुक थर्ड ख़त्म हो जाती है। हमने देखा बुक फर्स्ट और बुक सेकंड में हमने हेल को देखा, कायस को देखा, बुक थर्ड में हमने हेवन को देखा और अब बुक फोर्थ में हम जो है गार्डन ऑफ एडन को देखने वाले हैं। हम एडम और ईव से भी जो है बुक फोर्थ में मिलेंगे। तो आज का जो है वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। बुक फोर्थ की समरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। पैराडाइज बुक फोर स्टार्ट होती है। जो नैरेटर है हमारे जॉन मिल्टन, वो कहते हैं कि काश ये पॉसिबल हो पाता कि मैनकाइंड को शैतान के प्लान का जो है पहले ही पता चल जाता, मैनकाइंड को पता चल जाता कि शैतान क्या करने वाला है, तो शायद वो अपने टेम्पटेशन को अवॉइड कर पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सैटन जो है वो बहुत ही एंग्री है, क्योंकि वो जो है वार जो उसने लड़ा था गॉड के साथ वो हार गया और गॉड ने जो है उनको हेल में फेंक दिया था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा वो एंग्री है और वो जो अपना एंगर है, जो अपना गुस्सा है वो अब मैनकाइंड पर उतारने वाला है। वो जो है सन को एड्रेस करता है, क्योंकि वो सन के पास जो यूरियल एंजल बैठा था उसे ही रास्ता पूछकर वो आया है, लेकिन जब वो एक माउंटेन पर खड़ा होता है और वो सन की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, आई हेट यू, आई हेट योर बीम्स, क्योंकि जो तुम्हारी ये किरणें हैं, तुम्हारी जो बीम्स हैं, मुझे याद दिलाती है कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ। क्योंकि जो शैतान थे वो पहले लूसीफर नाम था उनका और वो हेवन में ही थे, वो गॉड के जो है फेवरेट एंजल्स में से एक थे। तो वो सन से कहते हैं कि तुम्हारी जो किरणें हैं वो मुझे अपने जो है पुराने दिन याद दिलाती है। शैतान बहुत अपसेट है और जो उसकी डेस्पेयर है वो बढ़ती ही जा रही है। वो कहता है कि मैं किस रास्ते जाऊँ, मैं जिस रास्ते भी जाऊँगा वही हेल है, क्योंकि मेरे तो अंदर खुद ही हेल है, मैं खुद ही एक हेल हूँ। वो कहता है विच वे आई फ्लाई इज हेल, माई सेल्फ एम हेल, कि जिस रास्ते भी मैं जाऊँगा वो हेल बन जाएगा क्योंकि मैं खुद ही एक हेल हूँ। और सैटन ये भी कहता है कि मुझे पता है गॉड अब मुझे कभी फॉरगिव नहीं करेंगे, मुझे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने मुझे दोबारा हेवन में एंट्री करने दी, हेवन में उन्होंने मुझे दोबारा बुला लिया, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें ओवरथ्रो कर सकूँ और इस तरह से कभी भी शांति नहीं होगी, इसीलिए गॉड जो है मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए वो एविल को कहता है, सैटन जो है वो एविल को कहता है कि एविल बी दो माई गुड, कि तुम ही मेरी गुड बन जाओ, यानी कि वो बुराई से कहता है कि बुराई तुम ही मेरी अच्छाई बन जाओ। और वो कहता है कि गॉड और मैं दोनों जो है अपने अपने एम्पायर पर, अपने अपने एम्पायर को जो है हम डिवाइड कर लेंगे और अपने एम्पायर पर हम रूल करेंगे। जब सैटन ये सब कह रहा होता है, यानी कि सैटन जो है इस टाइम बहुत एंग्री मूड में है, तो सैटन का जो फेस है वो भी चेंज होता है, वो भी जो है कभी पेल हो जाता है, आयरे हो जाता है, कभी एनिवी उसके फेस पर दिखने लगती है, कभी डेस्पेयर दिखने लगती है, तो उसका फेस जो है वो चेंज होता रहता है। और जो यूरियल है जो कि सन बीम पर बैठा हुआ है, वो वहाँ से ही जो अपनी पोजिशन से ही वो सैटन को देख रहा है, तो उसे जब वो शैतान को देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई एंजल नहीं है, बल्कि ये तो कोई रेबल एंजल है, फॉलन एंजल है। सैटन अब पैराडाइज की एस पर जाता है, जो कि एक ओवरग्रोन हिल की टॉप पर बनी हुई है, यानी कि एक हिल पर जो कि ओवरग्रोन है उस पर वो जाकर खड़ा होता है। जो हिल की साइड्स है वो कवर है बसेस से, ट्रीज से, यानी कि हिल की साइड पर जो है पेड़ झाड़ियाँ लगी हुई है, और जो पैराडाइज की वॉल है वो बहुत ही लंबी है, वो इतनी लंबी है कि जो सैटन है उस पर नहीं चढ़ सकता। और उस वॉल के अबोव हम देख सकते हैं एक रो लगी हुई है जिस पर बहुत सारे पेड़ हैं, और पेड़ पर जो है बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, और वहाँ पर जो है बहुत ही सुहानी हवा चल रही है और फ्रेग्रेंट वहाँ पर फैली हुई है, परफ्यूम की जो खुशबू वहाँ से आ रही है। सैटन देखता है कि दीवार बहुत लंबी है, वो उस पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए जो है वो
डिसाइड करता है कि वो इस पर जंप करके चला जाएगा, क्योंकि जो गेट है वो दूसरी साइड पर है, केवल एक ही गेट है और वो दूसरी साइड पर है, तो इसीलिए वो जो है दीवार को जंप करता है, जैसे कि एक वोल्फ जंप करता है इसी तरह वो दीवार को जंप कर जाता है और वो एक ट्री पर जो है लैंड करता है, एक ट्री पर वो जाकर बैठ जाता है। उस ट्री का नाम था ट्री ऑफ लाइफ, और ट्री ऑफ लाइफ से वो बैठकर एडन को देखने लगता है। जो ये एडन थी ये एक हेवन की तरह थी, अर्थ पर एक हेवन हम इसे कह सकते हैं, और इस ट्री ऑफ लाइफ के बराबर में ही ट्री ऑफ नॉलेज है, वही ट्री जिसकी वजह से मानवता के मानवता में जो है डेथ आएगी, मृत्यु जो है मानवता के अंदर आएगी, इसी ट्री की वजह से जो है मानवता का मैनकाइंड का जो है टेम्पटेशन हुआ था। पैराडाइज बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर जो है बहुत सारे लॉन्स हैं, शीप जो है वो शांति से अपनी घास चर रही है, हर तरह के यहाँ पर फूल हैं, हर तरह के यहाँ पर फ्रूट्स हैं, या और यहाँ तक कि यहाँ पर जो रोजेस खिले हुए हैं उनमें कांटे भी नहीं हैं, ये बिल्कुल हेवन है। यहाँ पर कोई भी एनिमल आपस में नहीं लड़ रहा है, चाहे वो लायन हो शीप हो, सब अपने अपने जो है काम कर रहे हैं। सैटर्न पैराडाइज को देखता है, तभी उसे पैराडाइज में कुछ दो शेप दिखाई देती है, कोई नोबल शेप जो है लंबी सी उसे दिखाई देती है, उनमें से जो शेप है एक मेल है और एक फीमेल है। जो मेल है वो बहुत ही ब्रेव और स्ट्रोंग लग रहा है, और जो फीमेल है वो बहुत ही सॉफ्ट है, स्वीट है, और वो अट्रैक्टिव भी है। शैटन उन दोनों को देखता है और जानना चाहता है कि वो कौन है। जो भी दोनों हैं मेल और फीमेल, वे नेक्ड हैं, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, और जो वो वुमेन है उसके लंबे हेयर हैं, उसके हेयर जो है वो उनकी वेस्ट तक आते हैं, और जो मैन है उनके जो हेयर है वो शोल्डर तक आते हैं। ये एडम और ईव है। जो ईव है वो एडम की ओबीडेंट है, यानी कि वो एडम की हर बात मान रही है, एडम जैसा कहता है ईव वैसे ही करती है, लेकिन ये कोई स्लेवरी टाइप नहीं है, यानी कि ईव कोई एडम की स्लेव नहीं है, बल्कि ये उसका अटमोस्ट लव है जिससे वो उसके सामने झुकती है। उन्होंने अभी अभी जो है अपना काम फिनिश किया है, उन्होंने गार्डनिंग की है, और अब वो खाना खाने के लिए बैठे हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं वो चारों ओर उनके खेल रहे हैं। एनिमल्स में लायन भी है, टाइगर भी है, शीप भी है, यानी कि हर तरह के एनिमल्स उनके आसपास खेल रहे हैं। सैटर्न ये सब देखता है और वो एक्सक्लेम करता है, वो अपने मन ही मन में कहता है ओ हेल, और वो कहता है कि इन्हें नहीं पता कि इनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मैं जल्दी ही इन्हें यहाँ से निकाल दूंगा, मैं इन्हें हेल में भेज दूंगा, सैटर्न अपने आप से कहता है। और फिर वो जो है पेड़ पर वो बैठा हुआ था, तो वो पेड़ से नीचे आ जाता है और अपनी शेप को वो चेंज कर लेता है, वो एक एनिमल बन जाता है। पहले वो एक लायन बनता है, फिर वो एक टाइगर बनता है, और एडम और ईव कुछ बातें कर रहे हैं तो वो उनकी बातों को सुनने लगता है। एडम कहता है कि गॉड बहुत ही अच्छे हैं, वो इन्फिनिटली गुड हैं, उन्होंने हमें पैराडाइज दिया, उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन बस उन्होंने एक ही रूल हमारे लिए बनाया है, और वो भी बहुत ईजी है, जो हम फॉलो कर सकते हैं, कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसका फ्रूट हमें नहीं खाना है, केवल यही एक रूल जो है गॉड ने हमारे लिए बनाया है, इसके अलावा कोई बाउंडेशन कोई रूल हमें गॉड ने नहीं दिया है, ये बहुत ही इजी जो है रूल है, और इसको हम फॉलो कर सकते हैं। ईव कहती है कि यू आर राइट हनी, हाँ प्रिया तुम सही कह रहे हो। फिर वो याद करती है जब उसका जन्म हुआ था, वो बताती है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं जो हूँ लेक में इधर उधर घूम रही थी, और मैंने जब लेक में अपनी परछाई देखी तो मैं आश्चर्यचकित रह गई अपने आप को देखकर, और फिर तभी मुझे एक वॉइस सुनाई दी और मैं उस वॉइस का पीछा करने लगी तो मैं तुम्हारे पास आ गई, यानी कि वो फिर एडम के पास आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मैं डर गई, क्योंकि तुम जो रिफ्लेक्शन मैंने अपनी लेक में देखी थी, वाटर में जो मैंने अपनी रिफ्लेक्शन देखी थी, उससे तुम बिल्कुल ही अलग थे, तुम उससे कम सुंदर थे और कम ही तुम जो हो उससे सॉफ्ट थे, यानी कि तुम मुझे स्ट्रांग लगे, तो मैं तुमसे डरकर भागने लगी थी, लेकिन तभी तुमने मुझे आवाज़ लगाई, तुमने मुझे कहा कि मैं जो हूँ तुम्हारी साइड से ही बनी हूँ, और मैं और तुम जो है हाफ है, यानी कि हम दोनों जो हैं
एक ही चीज़ के दो पार्ट हैं, यानी कि मैं तुम्हारा अदर हाफ हूँ, तो मैं तुम्हारे पास फिर रुक गई। शैटन इन सबको देख रहा था और वो बहुत ही सिकेंड हो रहा था। वो कह रहा था कि तो बहुत ही हेटफुल टॉर्मेंटिंग है, कितना हेटफुल और कितना टॉर्मेंटिंग है कि इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इनके पास पैराडाइज है, इनके पास आपस में मतलब ये दोनों बातें कर सकते हैं, ये दोनों इन दोनों के पास एक साथी हो गया है और मैं जो हूँ हेल में स्टक हुआ हूँ। तो शैटन का गुस्सा जो है वो और बढ़ जाता है। लेकिन शैटन एक बात पर गौर करता है जो एडम ने अभी अभी कही थी कि उन्हें ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट नहीं खाना है। तो शैटन सोचता है कि ऐसा क्यों है। उसे समझ में नहीं आता कि उन्हें नॉलेज को पोजेस करना अलाउ क्यों नहीं है, उन्हें क्यों अलाउ नहीं है कि उनके अंदर भी नॉलेज आए। लेकिन उसे एक रास्ता मिल गया है जिससे वो इस वर्ल्ड में मैशअप कर सकता है। उसने सोचा कि वो कोई ट्रिक करेगा और इन दोनों को जो है गॉड की जो कमांड है उसको डिसओबे करने के लिए प्रेरित करेगा, यानी कि वो उन्हें उनसे जो है गॉड की डिसओबे कराएगा। उसे जो है एक वे मिल जाता है अपने प्लान को फुलफिल करने का। अब जो है वो प्लान करता है तो वो सोचता है कि ठीक है चलो इतने में जो हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ एडन की, और मैं जो हूँ अदर जो एंजल्स हैं उनको देखता हूँ जो कि शायद एडन में हैंगिंग कर रहे होंगे। अब जो है सन वेस्ट में छिपने जा रहा है, गैब्रियल को दिखाया जाता है। गैब्रियल एक एंजल है जो कि पैराडाइज की टॉप पर बैठा हुआ है और वो पूरे पैराडाइज पर नज़र रखे हुए है, पैराडाइज को वो ऊपर से देख रहा है। तभी जो यूरियल है वो गैब्रियल के पास आता है और वो गैब्रियल को सैटन के बारे में बताता है। वो कहता है कि आज एक स्टेन सा क्रिएचर मेरे पास आया था और वो जो है गॉड की बनाए हुए वर्ल्ड को देखना चाहता था, तो मुझे लगा वो कोई चीरब है इसीलिए मैंने उसे रास्ता बता दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये शायद कोई रेबल एंजल है। तो गैब्रियल कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अगर कोई एडन में आया है तो मैं उसे सुबह तक ढूंढ लूँगा। यूरियल वहाँ से चला जाता है। अब एडम और ईव को दोबारा दिखाया जाता है। एडम ईव से कहता है कि चलो ये अब हमारे सोने का टाइम है, क्योंकि गॉड ने जो है उनके लिए जो पीरियड्स हैं वो डिसाइड किए हुए हैं कि उन्हें कब रेस्ट करना है, कब उन्हें लेबर करना है, कब उन्हें खाना खाना है, यानी कि उनके जो है पीरियड्स बताए गए हैं उन्हें कि कब उन्हें क्या करना है। अब जो है वो ईव को बताता है अपने अगले दिन के प्रोजेक्ट के बारे में कि अगले दिन हमें गार्डनिंग में क्या क्या काम करना है। ईव कहती है कि जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारी जो है ओबे करूंगी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, क्योंकि वो एडम से बहुत प्यार करती है। एडम जो है ईव को बताता है कि स्टार्स और हेवन क्यों चमकते हैं और वो जो है बहुत सारी कैलिशियल वॉइसेस के बारे में भी बताता है जो कि रात को से सुनाई देती है। वे वॉइस जो है वो गॉड की प्रेस करती है, यानी कि एडम और ईव बातें करते हैं, बातें करते हुए वो भगवान को जो है थैंक्स कहते हुए अपने जो है बोवर में वो एंटर कर जाते हैं, यानी कि जो उनका एक छोटा सा घर बना हुआ है उसके अंदर वो चले जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर जो है एक क्लोज है जिसमें हर तरह के फ्लावर्स हैं, दीवारों पर भी फर्श पर भी जो है फ्लावर्स हैं। वे अपने घर में जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनका जो प्यार है, उनका जो लव है वो प्योरेस्ट है, वो उसमें कोई लस्ट नहीं है बल्कि एक प्योरेस्ट लव जो है उनका दिखाया गया है। जब वे दोनों सो जाते हैं तो गैब्रियल जो है अपने सेकंड इन कमांड उज़ेल को बुलाता है, उसे कहता है कि अपने स्क्वाड्रन लो और ईडन के साउथ में जाकर चेक करो कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, और मैं नॉर्थ में जाकर चेक करता हूँ। और फिर वो जो है दो और अपने एंजल को बुलाता है, इथूरियल और ज़ेफन को, और कहता है कि तुम भी जाकर रेबल एंजल को सर्च करो। इथूरियल और ज़ेफन जाते हैं और उन दोनों को जो है सैटर्न मिल जाता है। सैटर्न ने जो है एक टोड का रूप लिया हुआ है और वो ईव के कान में कुछ बोल रहा है, वो ईव के कान में विस्पर कर रहा है, उसके कानों में कोई पॉइजनस थॉट वो डाल रहा है। तो इथूरियल और ज़ेफन उसे ढूंढ लेते हैं। इथूरियल अपने स्पेयर से अपने भाले से उसे टच करता है और जैसे ही इथूरियल उसे टच करता है तो वो वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है, यानी कि वो सैटर्न बन जाता है जो कि तोड़ वो बना हुआ था। वो सैटर्न से पूछता है कि तुम कौन हो, तो सैटर्न कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो इसका मतलब कि तुम बिल्कुल ही लो टाइप के एंजल हो, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट एंजल्स थे वो सब मुझे जानते हैं। तो ज़ेफन कहता है कि तुम जो हो अब डिफरेंट लग रहे हो, जब तुम हेवन में थे तो तुम डिफरेंट लगते थे लेकिन अब जो है तुम बिल्कुल तुम्हारे घर के जैसे लग रहे हो, यानी कि तुम बिल्कुल हेल के जैसे ही लग रहे हो। और फिर वो कहता है कि तुम्हें जो है आंसर तुम्हें
जो तुम आंसर दोगे वो गैब्रियल को देना, अब चलो हमारे साथ। और वो सैटर्न को गैब्रियल के पास ले जाते हैं। गैब्रियल सैटर्न को एकदम पहचान जाता है और वो अपने सोल्जर से कहता है कि फाइट के लिए रेडी हो जाओ। गैब्रियल सैटर्न से पूछता है कि तुम अपना प्रिजन, अपना हेल छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। तो सैटर्न कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस को सुनकर तो लगता है कि तुम बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हो। कौन नहीं चाहेगा कि अगर उसे कोई अच्छा बैटर मिल रहा है तो उसमें जाकर रहे, कौन ऐसा नहीं चाहेगा, कौन हेल में रहना चाहेगा। तो गैब्रियल कहता है कि कितने शर्म की बात है कि हेवन ने जो है इतना ग्रेट जज ऑफ विजडम खो दिया है, यानी कि सैटर्न को खो दिया है। सैटर्न में जो है विजडम बहुत ज़्यादा था, तो सैटर्न जो है बुद्धिमान था। तो गैब्रियल कहता है कि ये बहुत ही दुख की बात भी है कि सैटर्न जैसे इंसान, सैटर्न जैसे एंजल को जो है हेवन ने खो दिया। फिर वो उसे कहता है कि तुम अकेले क्यों आए हो, अगर तुम अपने एंजल से बताते कि तुम कुछ अच्छा देखने के लिए जा रहे हो तो वो भी तुम्हारे साथ आ जाते। तो सैटर्न कहता है कि मैं पेन से नहीं डरता, और तुम्हें क्या पता कि एक लीडर की ड्यूटी क्या होती है। एक लीडर की ड्यूटी होती है कि वो हार्डशिप को खुद एक्सेप्ट करे, अपने फॉलोवर्स के लिए जो है हार्डशिप को एक्सेप्ट करे। मैं बहुत ही ब्रेव हूँ और मैं डेंजर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, यानी कि मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ अपने फॉलोवर्स के लिए। तो गैब्रियल कहता है कि तुम झूठे हो, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम कुछ अच्छा ढूंढने के लिए आए हो, समथिंग बेटर देखने के लिए तुम आए हो, और अभी तुम कह रहे हो कि तुम अपने ड्यूटी निभा रहे हो, तुम डेंजर का सामना कर रहे हो। कहता है कि ठीक है वापस जाओ अब तुम अपने हेल में। लेकिन सैटर्न कहता है कि हाँ तुम मुझे वापस जाने के लिए कह सकते हो क्योंकि तुमने मुझे चैन में बांधा हुआ है, अगर तुम मुझे खोल दो तो तुम ऐसा नहीं कह सकते। यानी कि सैटर्न जो है गैब्रियल को एक तरह से धमकी देता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अभी जो है वे दोनों लड़ने लगेंगे, लेकिन तभी गॉड जो है ऊपर से एक पेयर ऑफ स्केल्स जो है वो नीचे ड्रॉप करते हैं। एक तराजू टाइप जो होता है, तराजू के जो होता है उसे जो है ऊपर से नीचे डालते हैं। जो तराजू था उसके जो स्केल्स थे उसमें अलग अलग मतलब जो दोनों उसके दोनों पार्ट होते हैं उनमें से एक जो है वो झुका हुआ था और उस पर लिखा हुआ था पार्टिंग और दूसरे पे लिखा हुआ था फाइटिंग। इसका मतलब था कि या तो तुम लड़ो या फिर यहाँ से चले जाओ। सैटर्न उन्हें देखता है। गैब्रियल कहता है कि तुम इसको देखो, इस पर तुम क्या चूज़ करना चाहोगे। तो सैटर्न जो है उसको देखता है और वो सोचता है कि अब जो है युद्ध करना सही नहीं है, मैं नहीं जीत पाऊँगा। तो सैटर्न जो है वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो है बुक फोर्थ ख़त्म होती है। बुक फोर में हमने देखा था कि जो सैटर्न है वो एडन गार्डन में आया था और उसने जो है ईव के कानों में कुछ कहा था। तो अब सुबह का समय है, सूरज निकल गया है। एडम जो है अपनी नींद से जाग जाता है। एडम ईव को देखता है, ईव अभी तक भी सो रही है और ईव जो है बहुत ही रफ सी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो। एडम उससे बातें करता है, उसे उठाता है। वो ईव उठती है। ईव कहती है कि मेरे लिए जो ये नाइट थी बहुत ही रफ रही है और जैसे कि मैं यूजुअली सपना देखती हूँ, यानी कि मैं जो हूँ तुम्हारा सपना देखती हूँ, वो एडम से कहती है, यानी कि ईव जो है सपने में एडम को देखती है, लेकिन कल रात कुछ अलग ही हुआ। कल रात जो है मैंने कुछ और देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में कह रहा हो कि बाहर आओ, और मैं जो हूँ उसकी बातें सुनकर मैं बाहर आ गई और मैंने देखा कि मैं जो हूँ घूमती घूमती ट्री ऑफ नॉलेज के पास आ जाती हूँ और वहाँ पर एक एंजल लुकिंग गाय खड़ा हुआ है, एक एंजल टाइप जो है वो खड़ा हुआ है और वो मुझे कहता है कि तुम्हारे लिए नॉलेज का जो फ्रूट खाना है वो मना क्यों है, ये बहुत ही स्टूपिड सा रूल है, और वो खुद जो है वो फ्रूट्स खाता है। और ईव जो है उसकी बातें सुनकर शोक रह जाती है। तो एंजल उसे कहता है कि तुम भी ये फ्रूट खाओ, इस फ्रूट को खाकर तुम गोडेस बन सकती हो। ईव उस फ्रूट को खा लेती है। ये सब जो है ईव अपना ड्रीम बता रही है, यानी कि ईव ने जो ड्रीम में देखा था वो सब ये बता रही है। तो ईव जो है अपना ड्रीम आगे बताती है। वो कहती है कि जब मैं फ्रूट खा लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेवन की ओर उड़ रही हूँ उस एंजल के साथ, लेकिन तभी एंजल जो है वो डिसअपियर हो जाता है और मैं वापस नीचे गिर जाती हूँ और मैं उठ कर जाती हूँ। तो एडम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है,
तुम चिंता मत करो, ये शायद कुछ फैंसी है जो माइंड में जो है सोते वक्त माइंड में अलग अलग तरह के चित्र दिखाती है, तो तुमने कोई ऐसे ही ड्रीम देखा है, ये कोई सच्चाई नहीं है और हमें जो है चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वो फल कभी भी नहीं खाओगी। फिर एडम ईव से कहता है कि चलो हमारे काम करने का टाइम हो गया है। ईव आंसू बहाती है, यानी कि ईव को रोना आ जाता है और वो और आंसू बहाने वाली होती है, लेकिन एडम जो है उन आंसुओं को गिरने से पहले ही उनको किस करके रोक लेता है। फिर वो अपने जो है बॉवर से यानी कि अपने घर से वो बाहर निकलते हैं और डेली की तरह जो है गॉड की प्रेयर वो करते हैं, गॉड को धन्यवाद देते हैं गॉड के दिए हुए चीज़ के लिए, गॉड के दिए हुए पैराडाइज के लिए, वो गॉड को धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रेयर वो करते हैं। अब जो है ईव और एडम काम करने के लिए चले जाते हैं, गॉड जो है ऊपर से उन्हें देख रहा है और जब गॉड उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गॉड बहुत ही पिटी लुक उन पर दे रहे हैं, यानी कि बहुत ही दया से वो उन्हें देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद गॉड को अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि गॉड को सब पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो गॉड को पता है कि अब जो है एडम और ईव का टेम्पटेशन होने वाला है, मैनकाइंड का टेम्पटेशन होने वाला है, तो इसीलिए वो बहुत ही पिटीफुल जो है उनकी तरफ देख रहे हैं। फिर वो अपने एक सोशलेबल स्प्रिट को बुलाते हैं जिसका नाम होता है राफेल। राफेल को सोशलेबल स्प्रिट कहा गया है, तो ये हमें याद रखना है कि जो सोशलेबल स्प्रिट थी वो राफेल है, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाता है। वो जो है राफेल से कहते हैं कि सैटर्न पैराडाइज में कुछ रकेस करने वाला है, पैराडाइज में जो है कुछ तहस नहस वो करने वाला है, तुम जाओ और एडम को इसके बारे में बताओ, एडम को वॉर्न करो। राफेल वहाँ से चला जाता है अर्थ की ओर और वो पैराडाइज में आता है। राफेल के जो है सिक्स विंग्स हैं, या राफेल के जो है छह जो है पंख है, उसके जो तीन तीन पेयर हैं, एक पेयर सोल्जर पर, एक पेयर उसकी वेस्ट पर और एक पेयर उसके हील्स पर, यानी कि उसके छह पंख हैं। वो अपने पंखों को हिलाता है और चलने लगता है, यानी कि जब वो पैराडाइज में आता है तो पैराडाइज में आकर वो अपने पंखों को हिलाता है और आगे चलने लगता है। एडम अपने घर के बाहर डोर पर बैठा हुआ है, ईव अंदर बैठी हुई जो है फ्रूट्स प्रिपेयर कर रही है। एडम दूर से ही राफेल को देख लेता है। ये दोपहर का समय है। एडम ईव से कहता है कि कुछ इकट्ठा कर लाओ, क्योंकि हमारे जो है गेस्ट आ रहे हैं। ईव कहती है कि ठीक है, मैं जाकर बेस्ट से बेस्ट फ्रूट मैं लेकर आती हूँ, बेस्ट से बेस्ट जो फ्रूट है फूड है जो भी मैं ला सकती हूँ मैं गार्डन से लेकर आती हूँ। वो चली जाती है। एडम फिर राफेल से मिलने आगे जाता है और उसे इनवाइट करता है लंच के लिए, कहता है कि चलो हमारे साथ लंच करो, और वो दोनों जो हैं अपने जो है बॉवर में चले जाते हैं। राफेल भी जो है एडम के साथ चला जाता है, राफेल एडम के साथ लंच करने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों जो है बॉवर में जाते हैं, जहाँ पर ईव वहाँ पर उनका वेट कर रही होती है और हर तरह के जो फ्रूट्स हैं उनके सामने जो है बिखरे रहते हैं, उनके सामने रखे हुए हैं बहुत सारे फ्रूट्स हर सीज़न के। एडम राफेल से खाने के लिए कहता है, तो राफेल कहते हैं कि हाँ मैं खाना खा सकता हूँ, इवन जो एंजल्स हैं वो भी खाना खा सकते हैं, इनफैक्ट वो जो मैनकाइंड थिंग्स है जैसे साइट टच हियरिंग ये सब भी वो शेयर कर सकते हैं, यानी कि एंजल्स भी समहाउ मैन के जैसे हैं, मैं मतलब ह्यूमन बीइंग के जैसे हैं। अब वो जो है खाना खाने लगते हैं। एडम डिसाइड करता है कि मैं ये चांस नहीं जाने दूंगा, मैं राफेल से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा अबोव हिज वर्ल्ड, यानी कि जो उसका संसार है जो पैराडाइज है उसके जो अबोव चीज़ें हैं उसके अलग जो क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं राफेल से पूछूंगा। और वो राफेल से जो है एक के बाद एक क्वेश्चन करने लगता है और राफेल भी जो है उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है। वो कहता है कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ है वो एक ही स्टफ़ से बनाई गई है। हाँ उनके कॉम्बिनेशन ज़रूर अलग अलग हैं लेकिन वो बनाई सभी एक ही स्टफ़ से गई है। राफेल एडम से बताता है कि फ्यूचर में कभी अगर तुम दोनों जो है गॉड के रूल्स को मानोगे, गॉड के रूल्स को नहीं तोड़ोगे, तो फ्यूचर में हो सकता है कि तुम और ईव की जो बॉडी है वो शायद स्प्रिट में चेंज हो जाए। तो एडम राफेल से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अगर हम मानेंगे, यानी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं या मेरी वाइफ जो है हम गॉड को डिसओबे करें और हम ये सब नष्ट कर दें, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो राफेल कहता है कि देखो गॉड ने ये सब चीज़ें बनाई हैं, गॉड ने तुम्हें ये सब चीज़ें दी है, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसको किस तरह से टेक केयर इसको करते हो, इसको टेक केयर करने की जॉब तुम्हारी है और रूल्स नहीं तोड़ो ये तुम्हें देखना है कि तुम उस
जो गॉड के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं उनको तुम नहीं तोड़ो। इसके बाद वो कहते हैं कि गॉड ने जो है सबको फ्री बनाया है, सब फ्री है। एडम और ईव जो तुम दोनों हो, तुम भी जो हो बाय नेचर फ्री हो। अगर तुम गॉड और उसके सर्विस की जो प्रेस करते हो, अगर तुम वॉलंटरी नहीं करते हो प्रेस, यानी कि तुम अपनी इच्छा से नहीं करते हो, तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। राफेल आगे कहते हैं कि तुम जो हो गॉड को जो तुमने चूज़ किया है वर्शिप करने के लिए, उनकी जो ओबीडेंस है, जो अगर तुम उनके आगे का पालन करोगे तो तुम्हारी जो हैप्पीनेस है वो सिक्योर रहेगी, और जो लोग उनकी आगे का पालन नहीं करते वो हेवन को खो देते हैं और उन्हें हेल में जाना पड़ता है। तो राफेल कहता है कि ये तुम्हें चूज़ करना है कि तुम गॉड की वर्शिप करोगे या नहीं करोगे। एडम बहुत क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए आगे, मतलब क्या ये हेल क्या है, और एडम जो है उससे राफेल से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो राफेल जो है बहुत बातें उसे बताता है। फिर राफेल कहता है कि एडम से कम्युनिकेट करना बहुत हार्ड है, तो इसीलिए जो है वो क्या हेवन में जो भी घटना घटी थी वो सब जो है शब्दों में एडम को बताता है ताकि एडम समझ सके। तो राफेल बताता है कि एक समय की बात है जब यूनिवर्स नहीं बना था, तब केवल हेवन था, और हेवन के बाहर जो एटमॉस्फेयर था, कायस जिसे कहते हैं, केवल हेवन और कायस ही थे, कोई यूनिवर्स नहीं बना था। एक बार भगवान ने जो है सभी एंजल्स को बुलाया एक काउंसिल के लिए, और उस काउंसिल में, उस सभा में जो गॉड ने है वो प्रोक्लेम किया कि उसके जो सन है, यानी कि गॉड का जो सन होंगे वो सेकंड इन कमांड रहेंगे, गॉड के बाद जो है वो ही एयर रहेंगे, गॉड के जो उत्तराधिकारी है वो उनके बेटे होंगे, और सभी को, सभी एंजल्स को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, अदरवाइज वो हेल में जाएगा। जो उसकी अवहेलना करेगा, जो उसकी डिसओबे करेगा, वो हेल में जाएगा। सभी जो एंजल्स हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो नाचने गाने लगते हैं, लेकिन जो एंजल्स थे उनमें सभी खुश नहीं होते। उनमें एक एंजल होता है लूसीफर। लूसीफर जो एंजल है वो गॉड के फेवरेट एंजल्स में से एक होता था। उसे लगता था कि जो गॉड है वो अपने बाद जो है मुझे ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, तो इसीलिए जब गॉड अपने बेटे को सेकेंड इन कमांड अनाउंस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो जब है वहाँ से चला जाता है। लेकिन आधी रात को वो अपने सेकेंड इन कमांड को उठाता है और उसे कहता है कि तुम जो हो जितने हो सकते हो उतने एंजल्स को यहाँ पर लेकर आ जाओ, नॉर्थ में उन्हें लेकर आ जाओ, क्योंकि लूसीफर उनसे कुछ बातें करना चाहता है। लूसीफर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लूसीफर को भगवान का जो सन है उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने जो है लूसीफर की जगह ले ली। अब जो लूसीफर है वो जितने भी एंजल्स थे उनके एक तिहाई एंजल्स यानी कि ए थर्ड एंजल्स को वो ज्वाइन करा लेता है, यानी कि उन्हें इकट्ठा करने में वो सक्सेस होता है और उनको जो है अपनी साइड कर लेता है, वो उनको बुलाता है। गॉड हर चीज़ देख रहे हैं, गॉड की नज़रों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो सब कुछ देखते हैं, और वो अपने बेटे से कहते हैं कि एक अटैक के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब जो है वॉर होने वाला है। अब सैटर्न पहुंचता है नॉर्थ में जहाँ पर उसने सभी एंजल्स को बुलाया था। अपने थ्रोन पर वो बैठता है जो कि एक माउंटेन पर बना है, और वो ये प्रिटेंड करता है कि उसने जो है काउंसिल इसलिए बुलाई है ताकि वो डिस्कस कर सके कि जो हमारा न्यू बॉस है, जो हमारे नए जो गॉड के जो सन है, जो हमारे नए किंग बने हैं, हम उनको कैसे रिसीव करें। फिर वो उनसे पूछता है, दूसरे जो एंजल्स हैं वो उनको बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारे दो दो मास्टर हो, एक गॉड और एक हिस सन, यानी कि हम दोनों की सेवा कैसे करेंगे। ये तो ऐसा लगता है मानो हम उनके स्लेव बन गए हों, यानी कि वो उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। आगे वो कहता है कि मुझे पता है कि सभी एंजल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन सभी एंजल्स फ्री तो हैं ना, सब स्वतंत्र हैं, कोई स्लेव नहीं है। तो फिर ये गॉड के जो सन को मास्टर बनाया गया है, इसको क्या बिजनेस है, ये क्या बात है, ऐसा क्यों किया गया है, ये तो हमारी लिबर्टी की इंसल्ट है, ये तो हमारी स्वतंत्रता का एक अपमान करने वाली बात हुई। जो और एंजल से जो उसकी बातों को सुन रहे थे वो भी जो है उससे एग्री करने लगते हैं, क्योंकि वो बातें सैटर्न
मतलब जो लूसीफर है जो बाद में सैटर्न बनेगा, वो बातें ही इस तरह से करता है कि सबको लगता है कि हाँ लूसीफर सच कह रहा है। लेकिन एक एंजल होता है उनके बीच में, एबडियल। एबडियल जो एंजल होता है वो गॉड के प्रति डिवोटी है, गॉड के प्रति जो उसका डिवोशन है वो अनक्वेश्चनेबल है, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। तो वो सैटर्न से कहता है कि जो तुम ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ये अधार्मिक है, ये इररिलीजियस है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गॉड के बारे में क्या बातें कर रहे हो, गॉड के बारे में ऐसी बातें करना सही नहीं है, तुम गॉड की निंदा नहीं कर सकते, गॉड के माइंड में जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है, वो अपने जो इंटरेस्ट है उनके बेस्ट इंटरेस्ट है वो अपने माइंड में रखते हैं, और वो जो है हमारे जो स्टेट को और ज़्यादा हैप्पी करना चाहते हैं, उसे कम नहीं करना चाहते, और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसी बातें करके गॉड की प्रेस को जो है वो कम कर रहे हो, तुम गॉड की निंदा कर रहे हो। एबिडियल आगे सैटर्न से कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम जाओ और गॉड से माफ़ी मांगो, जो तुमने ये सब किया है इन सब के लिए गॉड से माफ़ी मांगो, तो वो शायद तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन एबिडियल की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, और फिर सैटर्न एबिडियल से कहता है कि जो गॉड का रोल है क्रिएशन में, उसके जो गॉड कहते हैं कि जो गॉड ने क्रिएशन की है, मतलब वो एबिडियल से कह रहा है कि तुम कह रहे हो कि गॉड ने ये सब क्रिएशन की है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, गॉड ने कुछ भी क्रिएशन नहीं की है। लूसीफर कहता है कि क्या तुम लोगों को याद है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, क्योंकि हम में से किसी को भी अपना जन्म याद नहीं है, मैं और जो तुम सारे एंजल्स हो, हम सब जो है अपने आप ही पैदा हुए हैं, और हम लोग अपने आप ही सेल्फ रेस हुए हैं, अपने आप ही हम यानी कि पले बड़े हैं, मैं किसी भी गॉड की प्रायोरिटी से मना करता हूँ, इनकार करता हूँ, मैं नहीं मानता कि गॉड ने हमें बनाया है। और फिर वो एबिडियल से कहता है कि तुम अगर तुम्हें मेरी मुझे ज्वाइन नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और चाहो तो तुम गॉड के सन को बता भी सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एबिडियल कहता है कि मैं तुम्हारा फॉल देख रहा हूँ सैटर्न, तुम जल्दी ही जान जाओगे कि तुम्हें किसने बनाया है, और फिर तुम्हें रिग्रेशन होगा, तुम रिग्रेट करोगे अपने इस काम पर, जो तुम ये कर रहे हो तुम्हें इसका पछतावा होगा। एबिडियल जो है वहाँ से चला जाता है सैटर्न और उसकी कंपनी को पीछे छोड़कर, और जो एबिडियल की लॉयल्टी है भगवान के प्रति वो उसको रखता है, वो अपने लव को, अपने जील को, अपनी लॉयल्टी को बनाए रखता है। अब यहाँ पर जो है बुक 5 ख़त्म होती है। पैराडाइज लॉस्ट बुक 6। बुक 5 में हमने देखा था कि लूसीफर ने जो है अपनी एक आर्मी बना ली है, उसने जो है 1/3 एंजल्स को अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन एक एंजल था एबडियल जिसने उसकी बात नहीं मानी और वो जो है वापस आ गया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बुक 6। एबडियल जो है वो वापस गुड एंजल्स के पास आ जाता है। सुबह होती है और एबडियल देखता है कि जो हेवन के प्लेन थे, हेवन के जो मैदान थे, वो कवर्ड हो गए हैं स्क्वाड्रन से, जिसमें चैरियट्स है, आर्मी खड़ी हुई है, मतलब वहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि युद्ध जो है होने वाला है। गॉड एबडियल को एड्रेस करते हैं, गॉड जो है एक गोल्डन क्लाउड के पीछे से जो है एबडियल को बुलाते हैं और कहते हैं कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने जो है एक डिफ़िकल्ट चॉइस की है, लेकिन जो तुमने चॉइस किया है वो राइट है, यानी कि तुमने एक डिफ़िकल्ट बट राइट चॉइस की है। फिर जो है गॉड माइकल और गैब्रियल को बोलते हैं कि जाओ और रेबल एंजल्स के अगेंस्ट तुम लड़ो जाकर, और उनको हेल में भेज दो। दोनों आर्मी जो है एक दूसरे के सामने आ जाती है, उन दोनों के बीच में बिल्कुल एक छोटा सा स्पेस होता है, यानी कि दोनों आर्मी बस आपस में युद्ध करने ही वाली है। सैटर्न जो है वो अपने सन ब्राइट चैरियट पर बैठा हुआ है, अपने जो क्रू है उसकी उसके बीच में से वो निकल कर आता है। एबडियल जब सैटर्न को देखता है, यानी कि लूसीफर को देखता है, तो एबडियल कहता है कि मुझे विश्वास नहीं आता कि ये जो गाय है, ये जो मतलब ये जो एंजल है, अभी भी एक एंजल की तरह ही दिखाई देता है, जबकि जब इसने गॉड से बिट्रे कर दिया है तो इसके अपीयरेंस को चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो अभी पहले की तरह ही दिखता है। फिर वो सैटर्न से बोलता है कि तुम बहुत क्रेजी हो, गॉड जो है तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन हम विद एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ से जो है तुम्हें डिस्ट्रॉय गॉड कर सकते थे, हम में से जो कुछ लोग हैं उन्होंने फेथ और ट्रस्ट है उन्हें गॉड पर, जैसा कि तुम देख सकते हो हम गॉड के साथ है, क्योंकि हमें जो है अपने गॉड पर फेथ भी है, हमें अपने गॉड पर ट्रस्ट भी है। तो सैटर्न एबडियल से कहता है कि तुम ही सबसे पहले इंसान होंगे जिसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा,
तुम सिर्फ जो है कि गॉड की गुड साइड में रहने की कोशिश कर रहे हो, जबकि बहुत से जो गुड एंजल्स थे उन्होंने फ्रीडम को चुना है स्लेवरी के बजाय, और तुमने जो है स्लेवरी को चुना है। तो शैतान मतलब यहाँ पर कहना चाहता है कि तुम तो गॉड के स्लेव हो, जबकि तुम्हारे जैसे ही कुछ गुड एंजल्स ने फ्रीडम को चुन लिया है और मेरे साथ आ गए हैं, जबकि तुम लोग जो स्लेव जिन्होंने स्लेवरी को चुना है वो गॉड के साथ हो। तो एब्डिल कहते हैं कि नहीं, तुम गलत हो, गॉड की वर्शिप करना या गॉड का के ओबे मानना कोई स्लेवरी नहीं है, बल्कि स्लेवरी तो वो है जो तुम्हारे जैसे अनवाइज लीडर की वर्शिप करेंगे, जो तुम्हारे जैसे अनवाइज लीडर की बात मानेंगे, जो तुम्हारे जैसे लीडर की बात मानकर गॉड से लड़ेंगे, वो लोग स्लेवरी कर रहे हैं। गॉड की वर्शिप और ओबे करना कोई स्लेवरी नहीं है। और इसी के साथ जो है एब्डियल सैटर्न के ऊपर वार करता है इतनी जल्दी कि सैटर्न को समझ में भी नहीं आता कि वो उससे बच सके। फिर माइकल जो है ऑर्डर करता है ट्रम्पट को कि बजे, और आर्मी जो है आपस में युद्ध करने लग जाती है, दोनों तरफ की सेनाएं जो है आपस में लड़ने लग जाती है। और इतनी तेज़ आवाज़ वहाँ पर होती है, लड़ाई की जो है आवाज़ इतनी तेज़ हो रही है, हेवन कांप रहा है। और मतलब अगर ये लड़ाई पृथ्वी पर हुई होती, जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि अगर ये लड़ाई पृथ्वी पर हुई होती तो जो पृथ्वी है वो अपने सेंटर तक से पूरी तरह हिल जाती। बैटल जो है वो वर्चुअल होता जा रहा है, कभी कभी जो है ये बैटल लैंड पर लड़ा जाता है तो कभी हवा में जो है आर्मीज लड़ रही हैं। इनफैक्ट जो रोस्ट रेबल एंजल्स थे, यानी कि वे एंजल्स जिन्होंने रेबलेशन किया था, जो सैटर्न के साथ हो गए थे, वो भी जो है एक गुड सोल्जर की तरह लड़ रहे हैं, यानी कि वो भी अच्छे सिपाही की तरह युद्ध कर रहे हैं। सैटर्न माइकल को देखता है और अपनी शील्ड के साथ उसके पास जाता है। माइकल को भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, माइकल को लगता है कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं सैटर्न को कैप्चर करूं और इस वार को ख़त्म कर दूं। फिर वो सैटर्न को एड्रेस करता है और कहता है कि तुम जो हो हेवन में मिजरी लेकर आए हो, और तुमसे पहले जो है हेवन में केवल पीस ही पीस थी, लेकिन तुमने जो है हेवन में मिजरी ला दी। हेवन तुम्हें टॉलरेट नहीं करेगा, यहाँ से चले जाओ, अपनी जो बुराई है उसे भी अपने साथ ले जाओ और अब यहाँ से चल जाकर हेल में चले जाओ, यहाँ से हेल में चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सैटर्न कहता है कि पागलों की तरह बातें मत करो, क्योंकि तुम जो है मुझसे लड़ नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है, जबकि हमने प्लान बनाया है कि हम या तो हेवन को जीतेंगे या फिर इसको ही हेल में चेंज कर देंगे, चाहे जो भी हो हमारा नतीजा, जो भी हो लास्ट में जो है हम फ्री होंगे, फ्रीडम हमारे पास होगी। और मैं तुमसे नहीं डरता, ना ही मैं तुम्हारे गॉड से डरता हूँ, इसीलिए किसी को भी ले आओ, चाहे तो तुम आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए या फिर गॉड को ले आओ, और मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तो चलो मेरे साथ युद्ध लड़ो। फिर जो है वे दोनों बातें करना बंद करते हैं और दोनों जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो लड़ाई कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि जैसे दो प्लैनेट जो है आपस में लड़ रहे हों, दो प्लैनेट एक साथ आ गए हो, और दोनों ही जो है एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं एक स्ट्रोक में ही। और माइकल जो है सैटर्न की स्वॉर्ड को हाफ चॉप कर देता है, यानी कि सैटर्न की जो स्वॉर्ड है उसको आधा वो काट देता है, और फिर उसकी राइट साइड में एक स्लैसिस वो लगा देता है, यानी कि उसकी राइट साइड में वो उसे वाउंडेड कर देता है, राइट साइड में उसको तलवार से मार देता है। सैटर्न की जो बॉडी है उसमें से एक नेक्ट्रस यानी कि अमृत टाइप जो है एक सब्सटेंसिस रिसने लगता है, लेकिन वो जल्दी ही हील हो जाता है। राफेल कहते हैं यहाँ पर कि देन सैटर्न फर्स्ट न्यू पेन, कि आखिरकार सैटर्न ने पहले पेन को जान ही लिया, सैटर्न को पहला पेन आखिर हो ही गया। हालांकि उनका जो सैटर्न का जो घाव था वो भर तो जाता है, लेकिन फिर भी जो उसका पेन था वो रहता है, और इसलिए जो है उसके जो मेनियंस होते हैं, जो उसके कुछ सोल्जर्स होते हैं, वो दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे वापस उसके चैरियट पर ले जाते हैं। सैटर्न जो है बहुत ही फ्यूरियस हो जाता है, बहुत ही जो है उसे एंग्री वो हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो एक फाइटर नहीं है जैसा कि वो अपने आप को समझता था, वो उनके जैसे मैचलेस फाइटर नहीं है। अब जो है बैटल लड़ा जा रहा है, युद्ध एक तरफ हो रहा है, गैब्रियल जो है मोलोज को ट्रेस करता है, और यूरियल राफेल और एब्डियल भी जो है बहुत सारे एनिमीज को भगा देते हैं वहाँ से, यानी कि उनको वहाँ से हटा देते हैं। अब बैटल जो है बैटल फील्ड एक मैस बन गया है, वहाँ पर ब्रोकन चैरियट्स हैं, वाउंडेड स्टीड्स हैं, रेबल एंजल्स हैं बहुत सारे जो वाउंडेड हो चुके हैं और कुछ उनमें से भाग चुके हैं। बैटल जो है फर्स्ट टाइम था जब उन रेबल एंजल्स ने पहली बार फियर का और पेन का सामना किया था, क्योंकि इससे पहले वो हेवन में रहते थे, वो गुड एंजल्स थे, तो उनको कोई पेन नहीं हुआ था, उन्हें कोई फियर नहीं था, उन्हें आज तक किसी चीज़ से डर नहीं लगा था, लेकिन आज उन्हें डर भी लग रहा है और उन्हें पेन भी हो रहा है। फिर रात होती है और
वॉर जो है वहीं पर रुक जाता है। सैटर्न एक काउंसिल बुलाता है और सैटर्न जो है अपने सोल्जर्स की प्रेज करता है। वो कहता है कि तुमने आज अपने आप को साबित किया, तुम सब ने बहुत अच्छा जो है युद्ध लड़ा। फिर वो कहता, हालांकि जो सैटर्न है वो घायल है और वो भी जो है उसे भी लग रहा है कि शायद हम कहीं ये युद्ध हार ना जाए, यानी कि वो होपलेस है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने सोल्जर्स के सामने ऐसा नहीं दिखाता। वो उनसे कहता है कि मैं तो समझता था कि गॉड बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसने उन्होंने जो फोर्स भेजी है वो तो हमें हरा ही नहीं सकती, उसमें इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो हमें हरा दे। हालांकि हम हर्ट हुए हैं, आज हमें चोट लगी है, लेकिन फिर भी हम जिंदा है, हम मरे नहीं हैं। यानी कि वो जो सैटर्न है वो उनमें पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है यहाँ पर। फिर एक एंजल, डिसरॉक नाम के एक एंजल बोलते हैं कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन जो है रियली रियली सक्स। फिर वे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी लेकर आए जिससे कि हम जो है युद्ध को जीत सकें, अगर कोई ऐसा है कोई अपनी स्ट्रेटजी लेकर आएगा तो उसे हम अप्रिशिएट करेंगे। तब सैटर्न बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कैनन्स बनाएं जिससे हम शूट करेंगे एनिमी के ऊपर। सभी रेबल एंजल्स जो है एग्री करते हैं इस बात के लिए और सभी जो है काम करने लग जाते हैं, वो कैनन्स बनाने लग जाते हैं। वो ग्राउंड को डिगअप करते हैं, ग्राउंड को जमीन को वो खोदते हैं और जो नेसेसरी एलिमेंट्स थे वो उनको निकाल कर लाते हैं और वो जो है कैनन्स बना लेते हैं। अब सुबह होती है, गुड एंजल्स जो है वो भी बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं और इधर जो रेबल एंजल्स हैं वो भी अपनी कैनन के साथ तैयार हैं और वो अपनी कैनन के साथ जो है सैटर्न की आर्मी आगे आती है। कैनन को उन्होंने बीच में रखा हुआ है और चारों ओर जो है सैटर्न की आर्मी है और फिर उन्होंने क्या करते हैं, वो कैनन को अनवेल करते हैं, यानी कि उसे जो है उसे बाहर लेकर आते हैं और उसमें जो है लिट करते हैं, यानी कि उसे जलाते हैं। तभी स्मोक आता है, फ्लेम्स, यानी कि बहुत तेज धुआं आता है और जो उस जो वो कैनन से मतलब शूट करते हैं तो उससे जो है थाउजेंड्स एंजल्स को वो निशाना अपना बनाता है। तो एंजल्स जो गुड एंजल्स है वो घबरा से जाते हैं, उन्हें नहीं वे मतलब लग नहीं रहा कि उन्हें वो क्या करेंगे। वो ना तो आगे ही बढ़ सकते क्योंकि आगे जो है कैनन है और वो पीछे भी नहीं हट सकते, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब से हो जाते हैं। और इधर जो सैटर्न और उसकी कंपनी है उन्हें लगता है कि अब तो हमें विक्ट्री मिल ही जाएगी और वे हंसते हैं गॉड के थंडर पर। सैटर्न कहता है कि गुड एंजल्स हमारे पास आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। दो दिन हो गए हैं जो युद्ध है ऐसे ही चलता जा रहा है। गुड एंजल्स क्या करते हैं, गुड एंजल्स जो है जब उन्हें कुछ रास्ता नहीं मिलता तो जो उनके चारों ओर हिल्स होती है वो उनको ही टियर अप करने लगते हैं, उनको वो तोड़ने लगते हैं और उनको रेबल एंजल्स के ऊपर फेंकने लगते हैं। रेबल एंजल्स को वो उनसे क्रश करने लगते हैं। तो रेबल एंजल्स भी जो कुछ तो क्रश हो जाते हैं लेकिन जो कुछ जो क्रश नहीं होते वो भी सेम वही कॉपी जो है गुड एंजल्स की कॉपी वो करते हैं, यानी कि वो भी जो है माउंटेन्स को तोड़ते हैं और एंजल्स के ऊपर फेंकते हैं। गॉड जो है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं कि दो दिन हो गए हैं, दो दिन बीत चुके हैं और जो है अभी तक भी युद्ध चल रहा है और इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना युद्ध ये ब्रूचुअल होता जा रहा है। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं कि केवल तुम्हारे अंदर ही वो पावर है कि तुम इस वार को एंड कर सको। मेरा चैरियट ले जाओ, मेरी तलवार ले जाओ, मेरा थंडर ले जाओ और उन सबको हेवन की जो सीमा है उससे बाहर निकाल दो और उन्हें हेल में फेंक दो। तो उनके बेटे उत्तर देते हैं कि मैं वही करूँगा जैसा आप कहेंगे। फिर चैरियट आता है और जो सन है, जो गॉड के बेटे हैं, वो उस अपने बो और क्वीर के साथ जो है चैरियट पर चढ़ जाते हैं और फिर वो बैटल फील्ड में जाते हैं। माइकल अपने सोल्जर्स को हटाता है, कहते हैं कि जो है सन आ रहे हैं उनके लिए रास्ता बनाओ। सन जो है वो जीसस जो है, यानी कि वो एंजल्स को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि फाइटिंग को रोक दो, स्टॉप फाइटिंग, जो बाकी बचा हुआ काम है वो अब मैं करूँगा क्योंकि अब ये मेरी जॉब है, ये मेरा काम है, तो इसीलिए अब तुम सब जो है लड़ना छोड़ दो। और फिर जो जीसस हैं वो रेबल एंजल्स की जो आर्मी थी उनकी तरफ वो जाने लगते हैं बहुत तेज़ी से। जो पूरा हेवन है वो शेक्स हो जाता है एक्सेप्ट फॉर गॉड्स थ्रोन, यानी कि गॉड के जो सिंहासन है उसको छोड़कर बाकी हेवन कांपने लगता है। रेबल एंजल्स भी जो है बहुत ही एस्टोनिस्ट हो जाते हैं ये सब देखकर और वो घबराकर अपने जो वेपन्स थे उन सबको वो नीचे
गिरा देते हैं। फिर जो जीसस है वो सभी रेबेल एंजल्स को इकट्ठा करते हैं ऐसे जैसे कोई गोट्स हो, और फिर उन सबको जो है वो पुश करते हैं हेवन ऑफ जो वॉल ऑफ हेवन है उसकी ओर, और वहाँ पर एक होल खुलता है। सारे जो एंजल्स हैं रेबेल एंजल्स वो हॉरिफाइड हो जाते हैं, वो बहुत ही भयभीत हो जाते हैं जीसस को देखकर, और फिर वो जो है एक के बाद एक हेवन से जो वो होल हुआ था उसमें गिरने लगते हैं, वो अपने आप को वहाँ पर गिरा लेते हैं, और वे जो है टोटल 9 डेज तक गिरते रहते हैं जब तक कि हेल जो है उनको रिसीव नहीं करता। और यहाँ पर जो है मिल्टन ने हेल को बोला है द हाउस ऑफ वो एंड पेन, यानी कि दुख और दर्द का घर। जब तक हेल उन्हें रिसीव नहीं करता वो 9 दिन तक गिरते रहते हैं, और उसके बाद जो वो होल था वो क्लोज हो जाता है, और फिर सभी एंजल्स सन के पास जाते हैं और सन अपने फादर के पास वापस लौट जाते हैं। राफेल जो है लास्ट में एडम से बोलते हैं कि मैंने जो है तुम्हें ह्यूमन कॉम्प्रेंसन से बियॉन्ड जो चीज़ें थी उसको समझाने की अपनी पूरी कोशिश की है, अब देखते हैं तुम्हें इससे प्रॉफिट मिलता है या नहीं, तुम्हें ये सब सुनकर तुम इससे प्रॉफिट पाते हो या नहीं। बुक 7 स्टार्ट होती है, हमारे जो नैरेटर हैं जॉन मिल्टन जी वो एक म्यूज यूरेनिया को बुला रहे हैं, वो यूरेनिया को इन्वॉक करते हैं कि वो हेवन से उतर कर आए। ये जो यूरेनिया है ये म्यूज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, ये जो 9 म्यूज़ है एनिसेंट ग्रीस की ट्रेडिशनल जो 9 म्यूज़ हैं उनमें से नहीं है, ये म्यूज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। तो जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि यूरेनिया ने उसकी उनकी जो है हेल्प की है कि वो हेवन के बारे में बता सके, अब वो चाहते हैं कि वो अर्थ पर वापस लौट आए और वो अर्थ के बारे में अब बता सके। जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि हालांकि मैं यहाँ पर सेफ महसूस कर रहा हूँ, हालांकि मैं जो हूँ डेंजर से घिरा हुआ हूँ, यानी कि मुझे लगता है कि मैं डेंजर से घिरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ सेफ महसूस होता है। और फिर वो अपनी म्यूज़ से कहते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, जॉन मिल्टन कहते हैं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे ऐसे फेट से प्रोटेक्ट करो जो ऑर्फियस को हुआ था, क्योंकि जो ऑर्फियस थे वो टोर्न टू पीसेस हो गए थे, यानी कि वो टुकड़ों में जो है टोर्न हो गए थे, तो वो कहते हैं कि मुझे मेरा जो फेट है वो ऑर्फियस जैसा ना हो, मेरी उससे जो है तुम प्रोटेक्ट मुझे करो। अब बुक स्टार्ट होती है, स्टोरी आगे चलती है, एडम और ईव जो है वो राफेल की बातें सुन रहे हैं। अब जो है एडम जानना चाहता है वर्ल्ड क्रिएशन के बारे में, वो जो है राफेल से पूछते हैं कि गॉड ने जो है वर्ल्ड कैसे बनाया और गॉड ने जो है ये वर्ल्ड क्यों बनाया। तो राफेल बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हालांकि ये भी जो है एक्सप्लेन करना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करने की। लेकिन वो एडम से ये भी कहते हैं कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम जो है क्यूरियस मत होना, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो फूड की तरह होती है, तुम जितना खाओगे उतना तुम्हें जो है और खाने की इच्छा होगी, यानी कि नॉलेज ऐसी होती है कि तुम जितना जानोगे तुम्हें और ज़्यादा जानने की इच्छा होगी। तो जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम्हें क्यूरियस नहीं होना है, तुम्हें और कुछ जानने की कोशिश नहीं करनी है। तो एडम जो है उसकी बात से एग्री करते हैं। राफेल जो है अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि गॉड ने देखा सैटर्न को गिरते हुए और उन्होंने जो है अपने बेटे से कहा कि अब जो है हम एक नया वर्ल्ड बनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सैटर्न जो है अपनी सेखी बगाड़ने लगे कि वो तो बहुत सारे एंजल्स को अपने साथ ले गया, यानी कि सैटर्न अपने आप को जो है सुपीरियर दिखाने लगे, तो हम जो है अपना एक नया वर्ल्ड अब हम क्रिएट करेंगे। और गॉड कहते हैं कि एक मैन हम बनाएंगे जो कि पूरी एंटायर रेस को जन्म देगा, यानी कि पूरी मानव जाति को वो जो है उससे चलेगी, हम एक मैन को जो है क्रिएट करेंगे और वो कहीं और रहेगा, हेवन में नहीं रहेगा, हम उसके लिए जो है एक अलग से पैराडाइज बनाएंगे जिसमें वो रहेगा, ना कि हेवन में। फिर गॉड जो है अपने बेटे से कहते हैं कि मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि तुम जाकर एक नया वर्ल्ड बनाओ। हेवन में जो है बहुत ज़्यादा रिजॉइसिंग होती है, सब जो एंजल्स हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। फिर जो सन है यानी कि जो जीसस है वो आगे आते हैं, हेवन के गेट्स खुलते हैं और वो जो है कायस में चले जाते हैं। अब बहुत सारे जो एंजल्स हैं वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, उनके पीछे पीछे देखने के लिए कि वो कैसे क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को, कैसे क्रिएट करते हैं उनका क्रिएशन जो है वो देखने के लिए बहुत सारे जो एंजल्स हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। अब जो जीसस है वो एक गोल्डन कंपास लेते हैं और फिर वो जो यूनिवर्स की बाउंड्स है उसको नापते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ एलिमेंट्स लेते हैं
और उसको जो है एक एबिस में, एबिस होता है एक बॉटमलेस पिट यानी कि जिसका कोई बॉटम नहीं होता, एक ऐसे गड्ढे में जो है वो उनको मिलाते हैं और उनमें से जो है वो ब्लैक और लाइफलेस कलर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो उनको भी अलग हटाते रहते हैं। इसके बाद जो है वो उन्हें जो है ग्राउंड शेप दे देते हैं, जैसे अर्थ यानी कि अर्थ की तरह जो है स्फीयर जो है एक शेप उन्हें दे देते हैं, उन्हें एक शेप में वो बदल देते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है अर्थ को बना दिया यानी कि अर्थ की जो स्फीयर है वो उनको तैयार करते हैं। इसके बाद जो है वो डे और नाइट को डिवाइड करते हैं। एंजल्स जो है सारे उनकी क्रिएशन को प्रेस कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे जो है क्रिएशन बना रहे हैं। फिर सेकंड डे आता है, उन्होंने अर्थ बना दी है, अब जो है वो सेकंड डे में फर्मामेंट बनाते हैं यानी कि वो आकाश को बनाते हैं, जो कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जो कि अर्थ और हेवन के बीच में बफर का कार्य करेगा, यानी कि वो आसमान को आकाश को वो बनाते हैं जो कि अर्थ और हेवन के बीच में एक बफर की तरह है। थर्ड डे वो लैंड बनाते हैं, माउंटेन्स बनाते हैं, और जो माउंटेन्स में से जो है बहुत सारी पानी की धाराएं निकलने लगती है, बहुत सारा जो पानी है अलग अलग जो वेरियस फॉर्म में जो है वो निकलने लगता है और अपना वो रास्ता बनाते हुए समुद्र में जाकर गिर जाता है, यानी कि जो एक ह्यूज बॉडीज होती है वाटर की जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, गोड़ जो है उसको समुद्र का नाम देते हैं। और माउंटेन से निकलने वाली जो धाराएं होती है अलग अलग तरह के फॉर्म में जो पानी निकलता है, कुछ नदी के रूप में, कुछ फाउंटेन के रूप में, वो सब जाकर जो है समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद जो है जीसस ग्रास बनाते हैं, ट्रीज बनाते हैं, वेजिटेशन जो है आ जाती है, यानी कि जो अर्थ थी जो बिल्कुल बैरन होती पहले दिन, वो जो है तीसरे दिन के समाप्त होते होते ब्लूम हो जाती है, उसमें जो है फल फूल जो है खिलने लगते हैं, ग्रास आ जाती है, ट्रीज उसमें आ जाती है। तीन दिन हो गए हैं, अब फोर्थ डे आता है। फोर्थ डे में जो है जीसस सन को बनाते हैं, मून को बनाते हैं, स्टार्स को बनाते हैं, ताकि जो नाइट और डे के बीच में वो डिवीज़न कर सके और सीजन के बीच में यानी कि सीजन्स को वो क्लियर करते हैं और नाइट और डे के बीच में वो डिवीज़न करने के लिए नाइट और दे मतलब दिन और रात के बीच में हम कैसे पता लगाएंगे, वो उसके लिए जो है सन और मून को बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि दिन कब होगा और रात कब होगी। अब फिफ्थ डे आता है, फिफ्थ डे में जो है वो कुछ पशु पक्षी बनाते हैं, वो रेप्टाइल्स बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, व्हेल्स बनाते हैं, और जो अदर एनिमल्स हैं या ओशियंस क्रीक्स हैं वो उन सबको बनाते हैं। वो जो है कहते हैं उनसे कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ते रहो। अब सिक्स डे आता है, इसके बाद जो है वो अर्थ के बीस्ट्स बनाते हैं यानी कि जो जंगली पशु होते हैं लाइक लोयन, टाइगर्स और जो दूसरे पशु होते हैं, तो सिक्स डे पर वो ये सब बनाते हैं। और इनके अलावा वो इंसेक्ट्स भी बनाते हैं जैसे बीज, वॉर्म्स वो बनाते हैं, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे अलग अलग जो क्रिएचर्स हैं वो सब वो जो है सिक्स डे पर बनाते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि अब भी कुछ मिसिंग है, अब भी कुछ ऐसा है जो छूट गया है, जो नहीं बना है। तो गोड़ अपने बेटे से कहते हैं कि अब जो है एक मैन बनाओ, एक इंसान बनाओ, और जो जीसस है वो ऐसा ही करते हैं। और मैन के अलावा जो है वो एक फीमेल भी बनाते हैं जिसका नाम होता है ईव, यानी कि जीसस एडम और ईव को बनाते हैं। ईव जो है एडम की कंपेनियन होती है और वो उन दोनों से भी वही कहते हैं बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई और एंड फिल द अर्थ। वो जो है जीसस एडम और ईव से कहते हैं बी फ्रूटफुल मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। उसके बाद जो है वो उन दोनों को एडन में रखते हैं, उन्हें जो है वो एडन जो प्लेस है वो देते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रहना है और जो इतनी भी यहाँ पर सारी चीज है वो सब तुम्हारे उस पर जो है तुम्हारा डोमिनेशन होगा, तुम इन सब पर राज करोगे, लेकिन तुम सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते। यानी कि जीसस जो है उनके लिए एक रूल बनाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसका फ्रूट नहीं खाना है, केवल यही एक रूल तुम्हारे लिए यहाँ पर रहने का है, बाकी कुछ भी रूल नहीं है, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर रहो, काम करो। उसके बाद जो है राफेल जो है अपनी बात फिनिश करता है और एडम से पूछते हैं वो कि क्या कुछ और भी है जो वो जानना चाहेगा, तो ये बुक जो है यहीं पर फिनिश हो जाती है। ये छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, इसमें केवल जो है वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में बताया गया है, तो बुक 7 जो है फिनिश होती है। बुक 8 स्टार्ट होती है, राफेल जो है अपनी बातें ख़त्म कर चुके हैं, एडम उनको थैंक्स कहता है, लेकिन अभी भी जो है एडम क्यूरियस हैं जानने के लिए, वो पूछते हैं कि जो ये ह्यूज स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब क्यों घूमते हैं और अर्थ
रैदर देन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर नहीं घूमते और जगह जो है ये क्यों घूमते रहते हैं। ईव जो है उठती है वहाँ से और वो गार्डन की ओर चली जाती है। वो इसलिए गार्डन की ओर नहीं जाती क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ईव को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बातों में, लेकिन वो जो है ये सब बातें एडम से सुनना पसंद करेगी। उसे लगता है क्योंकि जब एडम उसे सुनाएगा ये सब बातें तो वो साथ साथ उसको छोटे छोटे किसेस भी देगा, तो इसीलिए जो है ईव वहाँ से उठकर चली जाती है। तो राफेल जो है फिर कहते हैं कि इट डजेंट रियली मैटर कि अर्थ घूमता है या हेवन घूमती है, अगर अर्थ और हेवन घूम रहे हैं मूविंग कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ चीज़ें ऐसी है जो गॉड ने कंसील की हुई है, जो गॉड ने जो है छिपा रखी है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। उसके बाद वो एडम से ये भी कहते हैं कि सोलिसिट नोट दाई थॉट्स विद मैटर्स हीड लीव देम टू गॉड अबोव, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि छिपी हुई है उनको जानने की कोशिश तुम मत करो और उनको गॉड पर छोड़ दो। तो एडम जो है यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया हूँ, मुझे कोई भी जो है वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी पॉइंट पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गॉड ने बनाया है किसी पर्पज़ से ही बनाया होगा। गॉड ने जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में बनाई है, जो भी स्टफ़ जो है गॉड का यूनिवर्स में है, वो सब जो है उनके किसी पर्पज़ से ही होगा, तो इसीलिए मुझे किसी भी बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एडम कहते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हें कुछ अपनी अर्लीस्ट मेमोरीज बताना चाहूँगा, क्या आप ये सुनना पसंद करोगे? तो राफेल कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं जो है खुशी खुशी ये सुनना पसंद करूँगा, क्योंकि जिस टाइम एडम सबसे पहले जागा था, यानी कि एडम का जब जन्म हुआ था, जब गॉड ने एडम को क्रिएट किया था, तो उस टाइम राफेल वहाँ पर मौजूद नहीं थे क्योंकि गॉड ने राफेल को हेल का गेट देखने के लिए भेज दिया था। तो राफेल कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा। तो एडम कहते हैं एकदम से मैं उठा और मैंने जो है हेवन की ओर देखा और फिर मैंने अपने चारों ओर देखा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने बनाया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जो है मैं चारों ओर वहाँ पर घूमने लगा और मैंने पाया कि मैं बोल सकता हूँ और मैं चीज़ों के नाम भी रख सकता हूँ, मैं चीज़ों को नाम से बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। मुझे ये तो एहसास हो रहा था कि मुझे किसी ने बनाया है, लेकिन मुझे किसने बनाया है ये मैं नहीं जानता था। फिर मैं नीचे बैठ गया और मैं सो गया। इसके बाद मुझे एक ड्रीम आया, मैं सपना देखने लगा। मैंने देखा कि एक डिवाइन एस्पिरेशन है, एक डिवाइन स्पिरिट है जो कि मुझे बुला रही है और वो मुझे गार्डन ऑफ एडन में ले जाती है। मैं एकदम से उठा और मैंने देखा कि मैं वास्तव में जो है गार्डन में आ गया हूँ, यानी कि मैं एडन के गार्डन में मौजूद हूँ, ऐसा मैंने अपने आप को पाया। फिर जो वो सेम डिवाइन थी जो कि मेरे ड्रीम में आई थी, वो मेरे सामने आती है और मुझे कहती है कि मैं ही वही गाय हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, मैंने ही ये सब चीज़ें बनाई है, मैंने ही तुम्हें बनाया है और ये सब तुम्हारा है, सिर्फ ट्री ऑफ नॉलेज को छोड़कर। अगर तुमने उसे खाया तो तुम मॉर्टल बन जाओगे और तुम्हें ये गार्डन छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद जो है गॉड अपनी बातें फिनिश करते हैं और जितने भी सारे एनिमल्स थे सब जो है पेयर्स में उनके सामने आ जाते हैं, यानी कि एडम के सामने जो है सब एनिमल्स आ जाते हैं, लेकिन सब एनिमल्स पेयर्स में होते हैं। और जो फिर एडम बोलते हैं कि मैंने उन सबको नाम दिया। फिर उसके बाद जो है एडम बता रहे हैं कि मैं हेवनली विजन से पूछता हूँ कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ जबकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी कंपेनियन नहीं है, जबकि यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं सब पेयर्स में हैं, केवल मैं ही अलोन हूँ। तो गॉड जो है एडम से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, अकेले होने से क्या मतलब है तुम्हारा, देखो ये सब एनिमल्स तो हैं, ये सब तुम्हारे साथ ही तो है। तो एडम बोलते हैं कि ये तो मुझसे बहुत अलग है, मैं लोयंस के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, मैं लोयंस के साथ बातें नहीं कर सकता। तो गॉड कहते हैं कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे तो किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं भी तो अकेला हूँ। तो एडम बोलते हैं कि आप तो अपने आप में परफेक्ट है, दउ इन दाई सेल्फ आर्ट परफेक्ट, एडम जो है ये बोलते हैं। तो गॉड कहते हैं कि अच्छा मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं तो यह देखना चाहता था कि तुम अकेले कैसे हैंडल करोगे, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तुम्हारे लिए अगला जो जो चीज़ मतलब जो नेक्स्ट चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, जो मैं बनाऊँगा वो तुम देखना कि वो तुम्हारे लिए है। इसके बाद जो है वो देखते हैं, एडम देखते हैं कि गॉड ने जो है ईव को बनाया,
जो ईव जो है बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है जो कि उसने कभी भी नहीं देखी थी। उसके बाद जो है वह उठता है और फिर उसको ढूंढने के लिए चला जाते हैं, यानी कि एडम ने जो है ये अपने सपने में देखा था गॉड को ईव बनाते हुए। जब गॉड ने ईव को बनाया था तो गॉड ने जो है एडम को सुला दिया था और एडम ने ये सपने में देखा था। उसके बाद जो है एडम उठते हैं और फिर वो ईव को ढूंढने चले जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि ईव उसकी ओर आ रही है गॉड की आवाज़ सुनकर। उसके बाद जो है एडम गॉड को थैंक्स कहते हैं। जब हमने एक पहले बुक में जब ईव ने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि ईव जो है एक मतलब लेक से उठी थी, उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी थी, उसके बाद वो किसी वॉइस को सुनकर एडम के पास आई थी, तो यहाँ पर वही सीन क्रिएट हो रहा है, यानी कि एडम जो है ईव को देखते हैं अपने ओर आते हुए, ईव कोई आवाज़ सुनकर उनकी ओर आ रही थी। इसके बाद जो है वो ईव को मैरिज बॉवर में ले जाते हैं अपनी, जहाँ पर जितने भी बर्ड्स हैं पैराडाइज के वो सिंगिंग कर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो ईव को प्यार करते हैं। राफेल जो है एडम से कहते हैं कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, तुम्हें जो ईव की ब्यूटी है उससे उसमें ज़्यादा ओवर एक्ट नहीं होना है, यानी कि तुम्हें ईव की ब्यूटी में आके आगे अधीन नहीं होना है। सी वो कहते हैं कि ईव इज़ वर्थी ऑफ योर लव बट नॉट योर सब्जेक्शन, यानी कि वो इतनी तो वर्थी है कि तुम उसे प्यार करो, वो तुम्हारे प्यार के लिए तो योग्य है लेकिन तुम्हारी अधीनता के लिए नहीं। तो एडम कहते हैं कि मैं समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद फिर वो एंजल से पूछते हैं कि क्या एंजल्स प्यार नहीं करते, तो राफेल जो है हंसते हैं, ब्लश वो करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि एंजल्स बहुत खुश है और देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट लव, यानी कि बिना प्यार के तो हैप्पीनेस होती ही नहीं। उसके बाद जो है वो एडम से कहते हैं कि अब ये टाइम जो है मेरे जाने का है, और फिर वो एडम से कहते हैं कि तुम्हें जो है गॉड की ओबे करनी है और जो टेम्पटेशन होने वाला है यानी कि जो प्रलोभन होने वाला है तुम्हें उसे रेसिस्ट करना है, तुम्हें उसे रोकना है, और मुझे और जो दूसरे एंजल्स हैं उसको जो है तुमसे बहुत ज़्यादा होप है। ऐसा कहकर जो है राफेल वहाँ से चले जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और राफेल हेवन में वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बुक 8 फिनिश होती है, बुक 9 स्टार्ट होती है। मिल्टन जो है फाइनल इन्वोकेशन वो करते हैं। जॉन मिल्टन कहते हैं कि अब जो है मुझे अपना नोट्स चेंज कर लेना चाहिए, मुझे जो है अपना नोट्स अब ट्रेजडी की ओर ले जाना चाहिए, यानी कि अब जो है ट्रेजडी होने वाली है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी जो थीम है, मेरी जो एपिक की थीम है, वो जो है होमर और वर्जिल के एपिक की थीम से ज़्यादा हीरोइक है। जो एपिक होमर, वर्जिल और स्पेंसर ने लिखे हैं, जो मार्टल एपिक्स लिखे हैं उन्होंने, मेरी थीम उन सबसे ज़्यादा हीरोइक है। अब वो अपने आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सूरज छिप गया है, रात हो गई है और सैटर्न जो है बिना डरे वापस लौट आता है। उसको जो है गए हुए एक वीक हो चुका है, यानी कि एक वीक के बाद वो दोबारा वापस आता है। एक रिवर होती है जो कि रैमर अंडरग्राउंड बहती है, यानी कि जो कि नीचे की ओर बहती है, और फिर वो पैराडाइज में फाउंटेन्स के रूप में निकलती है। तो सैटर्न जो है उस रिवर का ही यूज़ करके ईडन गार्डन में वापस आ जाता है। जब वो ईडन गार्डन को देखता है तो वो कहता है कि यह अर्थ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि जितने भी ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये सब जो है मुझे और ज़्यादा मैड कर रही है, और ज़्यादा जो है मुझे गुस्सा वो दिला रही है। मैं जो हूँ दूसरों को उतना ही माइजरेबल बनाना चाहता हूँ जितना कि मैं हूँ, दूसरों को भी मैं उतना ही दुखी कर देना चाहता हूँ जितना कि मैं हूँ, किसी को भी खुश मैं नहीं रहने दूंगा। उसके बाद जो है वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। सूरज निकलता है, एडम और ईव जो है बाहर आते हैं। आज जो है ईव एडम से कहती है कि क्यों न हम अपना जो लेबर है, अपना जो हम परिश्रम है, काम है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग जो है आज हम अपना काम करते हैं, क्योंकि जब हम साथ पे काम करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। एडम कहते हैं कि लेबर कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, इतना बड़ा जो काम नहीं है कि हम रेस्ट नहीं कर सकते, हमें इसे ईजी लेना चाहिए। लेकिन ईव कहती है कि नहीं, आज तो है हम अलग अलग ही काम करेंगे। तो एडम कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा ही करेंगे। एडम यहाँ पर बोलते हैं कि सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी,
की कोई बात नहीं, कभी कभी सॉलिट्यूड भी अच्छा होता है। लेकिन एडम जो है वो वरीड भी हैं, क्योंकि राफेल जो है उनको वॉर्न करके गए थे, तो एडम जो है ईव को रिमाइंड कराते हैं कि उन्हें साथ में ही काम करना चाहिए। वो सैटर्न के बारे में जो है उन्हें वॉर्न करते हैं और कहते हैं कि हमें साथ में ही काम करना चाहिए। तो ईव कहती है कि मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि तुम्हें मुझ पर डाउट्स है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो एडम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है कि तुम जो टेम्पटेशन होगा उसको रेसिस्ट कर दोगी, तुम जो यानी कि जो प्रलोभन अगर तुम्हें दिया जाएगा तो तुम उसे नहीं मानोगी, तुम उसको जो है ख़त्म कर दोगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही डिसऑनरेबल होगा अगर तुम्हें अकेले टेम्पटेशन को सफ़र करना पड़े। तो ईव कहती है कि टेम्पटेशन कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, टेम्पटेशन एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये प्रूव करेगी कि मैं और तुम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और सैटर्न कितना एविल है, यानी कि इस चीज़ से यही साबित होगा कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम लोग रेसिस्ट कर सकते हैं टेम्पटेशन को, और सैटर्न कितना एविल है कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी विश को पूरा करने के लिए। एडम कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं चाहूँगा, तुम्हारी इच्छा के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, अगर तुम मेरे साथ आज काम नहीं करना चाहती तो ठीक है, तुम अकेले काम कर लो। ईव कहती है कि ठीक है, मैं नून तक वापस आ जाऊँगी, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊँगी, दोपहर तक या उसके कुछ टाइम बाद तक मैं वापस आ जाऊँगी। और वो ये भी कहती है कि सैटर्न एक प्राउड फो है, यानी कि एक वो जो है प्राउड दुश्मन है हमारा, और वो डेयर नहीं करेगा कि वो मुझसे मैसअप कर सके, क्योंकि मैं जो हूँ वीक हूँ, तो वो किसी वीकर सेक्स से मैसअप करने का अटैम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मुझे अटैम्प्ट करेगा तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो बहुत ज़्यादा शेमफुल होगी, तो और इसीलिए जो है वो मेरे सामने नहीं आएगा। सैटर्न जो है बसेस पे बैठा हुआ ईव का वेट कर रहा है, उसने जो है एक सरपेंट का रूप ले लिया है, क्योंकि उसने अब सोचा था कि मैं अब एक सरपेंट के रूप में जो हूँ ईव को टेम्प्ट करूँगा। वो एक सांप के रूप में बसेस में बैठा हुआ है और वो होप कर रहा है कि किसी तरह जो है मुझे ईव अकेले मिल जाए, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है जब वो दूर से ईव को आते हुए देखता है, और वो भी अकेला। सैटर्न जब ईव को देख रहा है तो वो बहुत ही सुंदर है, सैटर्न देखता है कि ईव तो बहुत सुंदर है, और कुछ क्षण के लिए सैटर्न जो है अपनी हेटनेस भी भूल जाता है ईव की ब्यूटी को देखकर। लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने आप से कहता है कि नहीं, मुझे अपने हेट और रिवेंज के बारे में नहीं भूलना है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। वह ईव के सामने चला जाता है, ईव के पास जो है वो मूव करने लगता है, और वो जो है अपराइट होकर वॉक कर रहा है, ना कि अपनी पेट पर वो क्रॉल कर रहा है, यानी कि वो एक सरपेंट बना हुआ है लेकिन वो क्रॉल करके उसके पास नहीं जाता बल्कि वो वॉक करके जाता है। उसके बाद जो है वो कुछ नॉइज़ करता है वहाँ पर, शोर करता है ताकि ईव जो है उसको देख सके, ईव जो है ईव की अटेंशन पाने के लिए वो कुछ नॉइज़ करता है, लेकिन ईव नोटिस नहीं करती क्योंकि उसे तो आदत है, बिकॉज वहाँ पर तो बहुत सारे जो है पशु पक्षी ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ईव को कुछ अलग सा महसूस नहीं होता, इसीलिए फिर वो दोबारा कोशिश करता है। इनफैक्ट जिस ग्राउंड पर वो चल रही थी वो उसको लिक भी करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि ईव उस पर ध्यान नहीं दे रही तो एट लास्ट वो उससे बातें करने लगता है। सैटर्न उससे बोलता है, यानी कि सरपेंट जो बना हुआ है वो सरपेंट के रूप में ही वो बोलता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो और कोई भी तुम्हें देखता रह जाए, तुम इतनी सुंदर हो, केवल एडम ही नहीं, जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। ईव जब देखती है कि एक सरपेंट बातें कर रहा है तो वो बोलती है कि उसे सरप्राइज होता है, तो वो उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि एनिमल्स बातें कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो गया कि तुम बातें कर सकते हो, क्योंकि एनिमल्स तो बातें ही नहीं करते, तुम कैसे बोल रहे हो। तो सैटर्न बोलता है कि पहले मैं भी जो हूँ दूसरे एनिमल्स की तरह ही डंब हुआ करता था, मैं भी नहीं बोल पाता था, लेकिन फिर मैंने एक ट्री को देखा जिसकी फ्रूट्स बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे, और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने कुछ फल खा लिए, और ये जो है एक बहुत ही मेरे साथ बड़ा चमत्कार हो गया, क्योंकि तभी से जो है मैं बातें कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, और मैं रीजनिंग भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं तर्क वितर्क भी कर सकता हूँ। ईव ये बातें सुनकर बहुत ही सरप्राइज होती है और वो उस सरपेंट से कहती है, यानी कि वो सैटर्न से बोलती है कि वह कौन सा पेड़ है, मुझे भी उस पेड़ के पास ले जाओ। तो सैटर्न जो है उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसकी तो विश पूरी होने वाली थी, और वो जो है उसे ट्री ऑफ नॉलेज के पास ले जाता है। ईव जब ट्री ऑफ नॉलेज को देखती है तो कहती है कि मुझे इस पेड़ के फल खाना अलाउ नहीं है, इस पेड़ पर फल है लेकिन मेरे लिए तो यह एक
फ्रूटलेस है, यानी कि हालांकि इस पेड़ पर फ्रूट लगे हुए हैं लेकिन मेरे लिए तो ये फ्रूटलेस है। तो सैटर्न देखता है कि ये इतनी जल्दी जो है मेरे प्रलोभन में नहीं आ रही, मुझे जो है कुछ और करना पड़ेगा। तो वो जो है उसके चारों ओर घूमने लगता है, जैसे ओरेटर घूमते हैं ना, जैसे मतलब ओरेटर अपनी स्पीच देते हुए, जो ग्रीक एनिसेंट के ओरेटर थे वो बातें करते हुए घूमते थे। तो इसी तरह जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करने लगता है अपनी बातों से, वो उसके चारों ओर घूम घूम कर अपनी बातें कहने लगता है। वो बोलता है कि ये फ्रूट तुम्हें नहीं मारेगा, इस फ्रूट से तुम्हारी डेथ नहीं होगी, मेरी ओर देखो, मैंने भी इसे खाया है और मैं अभी बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल फाइन हूँ। और जिस फ्रूट को मैं खा सकता हूँ, मेरे जैसा एक बीस्ट खा सकता है, एक जानवर खा सकता है, उसे तुम क्यों नहीं खा सकते? और इनफैक्ट अगर तुम इसे खा लोगी तो गौर तो तुम्हारे एडमायर ही करेंगे तुम्हारी बोल्डनेस को देखकर, क्योंकि ये इसे खाना जो है तुम्हें और ज़्यादा स्मार्टर बना देगा, तुम जो है बहुत स्मार्ट हो जाओगी। गौर को लगेगा कि तुम तो उसके उनके जो डेथ का ट्रीट थे उनसे भी नहीं डरी, तो गौर जो है तुम्हारी एडमायर ही करेंगे, गौर तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तुम्हें हर्ट करने से कोई जस्ट नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा। अगर उन्होंने मना किया है कि तुम ये फल ना खाओ तो वो सिर्फ इसलिए मना किया है ताकि तुम जो है लो रहो, नीचे रहो और इग्नोरेंट रहो, अज्ञान रहो, यानी कि इसीलिए जो है गॉड ने तुम्हें मना किया है, इसलिए नहीं मना किया कि तुम्हें डेथ आ जाएगी, तुम मर जाओगी। और अगर तुम इस फ्रूट को खा लेती हो तो तुम बिल्कुल गॉड जैसी बन जाओगी, तुम गॉडेस बन जाओगी और तुम्हारे जो है बहुत क्लियर विजन तुम्हारा हो जाएगा, तुम चीज़ों को जो है बहुत क्लियरली देख पाओगी जैसे कि मैं अब देख रहा हूँ। और जो गॉड ने बोला है कि इस फ्रूट को खाने से डेथ आएगी, तो उस डेथ का मतलब ये है कि जो तुम्हारा ह्यूमन नेचर है तुम इसे उतार दोगी और तुम जो है एक गॉड लाइक बन जाओगी, भगवान की तरह ही तुम बन जाओगी, गॉडेस की तरह तुम बन जाओगी, इसीलिए जो है इस फ्रूट को खा लो। तो सैटर्न बड़े ही उसे कहता है कि ईव फ्रीली टेस्ट, यानी कि मुक्त होकर, फ्री होकर इस फ्रूट को टेस्ट करो, यह तुम्हें जो है क्लियर विजन देगा, तुम्हारी जो रीजनिंग की शक्ति है उसको बढ़ा देगा और तुम्हें नॉलेज देगा, ना कि तुम्हें डेथ देगा। ईव जो है सैतन की बातों में आ जाती है और उस वक्त लंच का टाइम भी होने वाला था और उसे भूख भी लग रही थी, और जब वो उन फ्रूट्स की तरफ देखती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही वो सुंदर हैं और वो अपने आप को रोक नहीं पाती उसको खाने से। इनफैक्ट वो फ्रूट को खा ले, फ्रूट को तोड़ती है, वो उसे फ्रूट से कहती है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो क्योंकि तुमने एक सरपेंट को इतनी पावर दे दी, तो मैं खाऊंगी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी, और क्योंकि तुम्हें, तुम जो हो फॉरबिडन हो, तो इसीलिए मेरी इच्छा और बढ़ रही है कि मैं तुम्हें खाऊं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हमें मना कर दी जाती है कि ये नहीं खाना है या ये नहीं तुम्हें जानना है, तो हमारी क्यूरियसिटी और बढ़ जाती है कि ऐसा क्यों है, हमें ऐसा क्यों नहीं करना है। जो चीज़ हमें मना की जाती है हम वही करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह ईव कहती है क्योंकि मुझे मना किया गया है कि मैं तुम्हें ना खाऊं, तो इसलिए मेरी डिज़ायर और बढ़ रही है कि मैं तुम्हें खा लूं। और फिर मैनकाइंड को ही क्यों नॉलेज डिनाइड है, यानी कि मैनकाइंड को ही मना क्यों है कि वो नॉलेज ले, और जब इसने सरपेंट के साथ इतना वंडर कर दिया है तो फिर मुझे इसे खाना अलाउ क्यों नहीं है? क्या डेथ केवल मैनकाइंड के लिए बनी है? तो इतना कहकर जो है वो फ्रूट्स को तोड़ती है और फ्रूट वो खा लेती है। जैसे ही वो फ्रूट खाती है तो नेचर जो है प्रकृति हिल जाती है क्योंकि ईव ने जो है डेथ को खा लिया था। अब वो जो है जब वो फ्रूट खाती है तो वो कहती है कि ये फ्रूट तो बहुत ही प्रीसियस था, जितने उसने अब तक फ्रूट खाए हैं उन सब में जो है ये बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत ज़्यादा ये प्रीसियस था, और वो जो है डेली इसकी प्रशंसा क्या करेगी। वो लेती है, वो कसम खाती है कि मैं डेली जो हूँ तुम्हारे लिए गीत गाया करूँगी तुम्हारी प्रशंसा में, और जो मैं डेली तुम्हें खाया करूँगी, मैं डेली जो है इस फ्रूट को खाऊंगी तब तक जब तक कि मैं वाइस नहीं बन जाती, जब तक मैं बहुत ज़्यादा वाइस नहीं हो जाती, जब तक मैं इस फ्रूट को खाती रहूँगी। लेकिन फिर वो सोचती है कि एडम का क्या मुझे उसे बता देना चाहिए? अगर उसने ये फ्रूट नहीं खाया तो क्या होगा, और मैं मर गई तो एडम तो नहीं ईव मिल जाएगी एडम को, तो वो डिसाइड करती है कि नहीं, मैं उसे बताऊँगी और मैं उसे भी ये फ्रूट खिलाऊँगी। अब हमें एडम को दिखाया जाता है, एडम जो है एक छोटा सा जो है गार्लैंड ईव के बालों के लिए बुन रहा है। फिर वो देखता है कि बहुत देर हो गई ईव नहीं आई, तो वो ईव को ढूंढने के लिए जाता है और इवेंचुअली वो उसे देखता है कि ईव तो ट्री ऑफ नॉलेज के पास खड़ी है। ईव जब एडम को देखती है तो वो बहुत सारे फ्रूट्स लेकर उसके पास दौड़ती हुई आती है और वो एडम से कहती है कि एडम, ये जो ट्री है ये वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया था, ये कोई मृत्यु नहीं लाता बल्कि इसने तो मेरी आंखें खोल दी है,
वो एडम को बताती है कि मैंने ये फ्रूट खाया है और सरपेंट ने भी ये फ्रूट खाया था, और सरपेंट जो है इस फ्रूट को खाकर बोलने लगा। तो वो एडम को कहती है कि तुम भी कुछ खा लो। एडम उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है और उसका जो ब्लड था वो बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, यानी कि उसका खून एकदम ठंडा हो जाता है। उसके हाथ में जो गार्लैंड था वो गिर जाता है और वो अपने आप से कहता है, हाउ आर दाउ लॉस्ट, हाउ ऑन ए सडन लॉस्ट, आई कांट बिलीव इट। वो अपने आप से कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, ईव तुमने ये क्या किया, तुमने जो है सडनली तुम लॉस्ट हो गई हो, तुमने जो है बहुत गलत काम कर दिया है, लेकिन मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, आई हैव डूम्ड टू, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं ईव के बगैर नहीं रह सकता और ना ही मैं जो हूँ उसे अकेले सफ़र करना करके देख सकता हूँ, यानी कि वो अकेली सफ़र करे, वो अकेली कष्ट सही, ये भी मैं नहीं देख सकता। वो अपने मन में ये बातें सोचता है। फिर वो ईव से कहता है कि तुमने तो बहुत ही बोल्ड थिंग किया है, तुमने तो बहुत ही बोल्ड कार्य किया है, इस बात से ये क्लियर हो गया है कि इस फ्रूट को खाने से जो है वे दोनों गोड़ की तरह बन जाएंगे, और गोड़ हमें नहीं मार सकते, क्योंकि गोड़ जो है अपने फर्स्ट मेड क्रिएचर्स को नहीं मारेंगे, और अगर वो हमें मारेंगे तो उन्हें जो अपना वर्ल्ड है इसको भी अनक्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, एडम और ईव के ऊपर ये वर्ल्ड डिपेंड करता है, और एडम ईव के लिए ही ये वर्ल्ड बनाया गया है, तो अगर गोड़ हमें मारेंगे तो उनको अपना वर्ल्ड भी अनक्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि एडम जो है ईव से बहुत प्यार करता था, तो इसीलिए जो एडम जो है फॉल डाउन को, जो डाउनफॉल उनका हुआ था, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ईव के साथ ही डाउनफॉल उसका होगा, यानी कि अगर ईव का डाउनफॉल होता है तो एडम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। ईव कहती है कि मैंने जो सोचा था तुम्हारे बारे में, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो, तुमने कन्फर्म कर दिया है कि तुम जो मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ सब सही है। और फिर वो जो है सैटर्न की लैंग्वेज में ही, जैसे सैटर्न ने ईव को कहा था कि ईव फ्रीली टेस्ट, तो वो भी एडम को कहती है, एडम फ्रीली टेस्ट। और इसके बाद जो है ईव एडम को एक हेल्दी पोर्शन दे देती है, उस फ्रूट का, फ्रूट में से एक हेल्दी पोर्शन जो है एडम को दे देती है, एडम उसे खा लेता है। और जैसे ही एडम खाता है अर्थ फिर से हिलने लगती है, बिजली की आवाज़ें सुनाई देती है और कुछ जो है रेन ड्रॉप्स भी गिर जाती है, यानी कि कुछ बारिश भी होने लगती है। अब जब उन दोनों ने वो फ्रूट खा लिया था तो उसके बाद जो है वो पहली बार जो है जो लव उनकी आंखों में था अब वो नहीं होता, बल्कि उनकी आंखों में लस्ट दिखाई देता है। लव जो उनका प्योरेस्ट लव था वो लस्ट में चेंज हो जाता है और वो जो है सेक्स करते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो सो जाते हैं। फिर जब वो उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है अनरेस्ट हैं अभी भी। फ्रूट जो है एक बिल्कुल ड्रग की तरह था जिसने उन्हें एक नशासा करा दिया था, और वो एक हैंगओवर की तरह उठते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि वो हैंगओवर हो चुके हैं। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि वो तो नेकड़ हैं, उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ है। और एडम जो है ईव से कहता है कि उस सरपेंट ने झूठ बोला था और हमने तो अपनी इनोसेंस को ही खो दिया। फिर वो सजेस्ट करता है कि हमें कुछ ढूंढना चाहिए ताकि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर अप कर सके। फिर वो कुछ फिग लीव्स ढूंढते हैं और उनसे अपने प्राइवेट पार्ट को वो कवर करते हैं। उसके बाद वो बैठ जाते हैं और वो रोने लगते हैं, और उनके चेहरे पर जो है हम उनके अंदर उनके चेहरे पर काफ़ी जो है पैसन्स आने लगते हैं, जैसे एंगर, हेट, जो कि अब तक नहीं उनके अंदर था, अब वो सारे जो फीलिंग्स हैं एंगर की, क्राइंग, हेट की, वो सब उनके अंदर आने लगती है। एडम कहते हैं ईव को कि ये तुम्हारी गलती है, अगर तुम मेरी बात मानती और सुबह के समय घर पर ही रहती तो ऐसा नहीं होता। ईव कहती है कि ये इतनी जल्दी हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया, वो जो सरपेंट था वो बहुत ही प्रसुएसिव था, उसने मुझे बहुत जल्दी प्रलोभित कर लिया, उसकी बातों में मैं आ गई, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद जो है पूरा दिन वे एक दूसरे को एक्यूज़ करते रहते हैं, एक दूसरे को वो ब्लेम करते रहते हैं, और यहाँ पर जो है बुक 9 ख़त्म होती है। बुक 10, गोर जो है सब चीज़ देख रहे हैं, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर जो है नैरेटर बोलते हैं कि एडम और ईव जो है अब उनका डाउनफॉल होगा, क्योंकि उन्होंने जो है टेम्पटेशन को रेसिस्ट नहीं किया, जबकि वे कर सकते थे, उन्हें जो प्रलोभन दिया गया था उन्हें वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो अब उनका डाउनफॉल होना निश्चित है। हेवन में जो है बहुत सैडनेस आ जाती है, बहुत एंजल जो है वो दुखी है, और वो एंजल जो कि पैराडाइज को गार्ड कर रहे थे अब वापस आ गए हैं, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं रही है। लेकिन गॉड कहते हैं कि निराश मत हो, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। एंजल्स कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, हमने एडम को वॉर्न भी किया, लेकिन हम टेम्पटेशन को नहीं रोक पाए। तो गॉड कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। गॉड कहते हैं कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा और वो एडम और ईव के साथ जस्टिस करेंगे।
तो उनके बेटे कहते हैं कि ठीक है मैं जाकर जस्टिस उनके लिए करता हूँ। अब जो है जज यानी कि जीसस जो है वो गार्डन में आते हैं। शाम का समय है। एडम और ईव उनको देखकर अपने आप को जो है वो छिपा लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि गॉड की जब उनकी वॉइस सुनाई देती है उन्हें लगता है कि गॉड आ रहे हैं, जीसस आ रहे हैं, तो वो अपने आप को छिपा लेते हैं। फिर जब वो जीसस है वो पूछते हैं एडम कहाँ हो तुम। फिर एडम और ईव अपीयर होते हैं। वे बहुत ही अपसेट है और उनकी आँखों में कोई भी लव हमें नहीं दिखाई देता। एडम जो है उनके बेटे से यानी कि जीसस से कहते हैं कि उसने अपने आप को छुपा लिया था क्योंकि वह बहुत डर गया था और वह नेक्ड भी है। तो सन उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम नेक्ड हो, क्या तुमने फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाया है। तो एडम जो है इनडायरेक्टली आंसर देता है, वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि जो थिंग्स हैं वो चीज़ें किस तरह गलत हो गई। वो एडमिट करता है कि ईव ने उसे फ्रूट दिया है और उसने खा लिया। तो जो जीसस है वो उसको रिब्यूक करते हैं, वो उसको डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था ईव की बात मानने के लिए, तुम्हें रूल करने की पावर है, ईव को नहीं। तुम ईव की जो है आज्ञा को कैसे मान सकते हो, तुम जो हो रूलर हो, ईव रूलर नहीं है जो तुम ईव की बातें मान रहे हो। उनके बाद जो है जीसस ईव से पूछते हैं तो ईव जो है एडमिट कर लेती है कि हाँ ये मेरी गलती है, मैंने वह फ्रूट खाया है और मैंने ही जो है वो एडम को दिया था फ्रूट खाने के लिए। तब जो है जीसस सरपेंट जो वो सांप था उसको क्रश करते हैं, कहते हैं कि अब वो जो है यहाँ से हमेशा ही अपने पेट के बल ही वो चलेगा, अब वो अपने वापस फॉर्म में नहीं आ पाएगा, वो सांप बनकर ही रहेगा। और उसके बाद जो है वो एडम और ईव को भी पनिश करते हैं। वो कहते हैं कि ईव जो चाइल्ड बर्थ है वो बहुत पेनफुल होगा और तुम्हें उसे सहना पड़ेगा, और जो है तुम्हें अपने हस्बैंड के प्रति जो है सबमिट रहना पड़ेगा, तुम्हें अपने हस्बैंड की सारी बातें माननी होगी। और एडम से कहते हैं कि जो ग्राउंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं रहेगी जितनी कि पहले हुआ करती थी, तुम्हें जो है लेबर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जीविका चलाने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि एडम और ईव के जो जनरेशन होगी वो हमेशा ही जो सरपेंट का हेड है उसको कुचला करेंगी, यानी कि सरपेंट के हेड को ब्रूशी करेंगी। उसके बाद जो है वो उन दोनों के लिए कपड़े बनाते हैं, वो उन दोनों को कपड़े पहनाते हैं। जैसे एक फादर जो है अपने बच्चों को कपड़े पहनाता है, उसी तरह जो है जीसस अपने यहाँ पर फादर होने का फर्ज पूरा करते हैं, वो उन्हों कपड़े पहनाते हैं और उसके बाद जो है वो वापस हेवन की ओर लौट जाते हैं। फिर हमें सीन और डेथ को दिखाया जाता है। सीन और डेथ जो है वो सैटर्न का वेट कर रहे हैं हेल के गेट पर बैठे हुए। फिर सीन डेथ से कहती है कि मुझे लगता है कि सैटर्न जो है अपने काम में सक्सीड हो गया है क्योंकि मुझे एक नई स्ट्रेंथ अपने अंदर फील हो रही है। फिर वो सजेस्ट करती है कि हमें जो है एक ब्रिज बनाना चाहिए हेल से अर्थ की ओर, ताकि सैटर्न आराम से वापस आ सके, उसे जो है आराम से अपना रास्ता मिल सके। डेथ कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और मुझे भी जो है कुछ स्मेल आ रही है फ्रेश स्प्रे की अर्थ पर, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी वल्चर टाइप हूँ, मैं कोई गिद् ध हूँ जो कि वेट करता रहता है, बैटल फील्ड में घूमता रहता है और वेट करता रहता है कि कोई मरे और वो खा सके, तो मुझे अपने आप को जो है मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। फिर वो दोनों जो है कायस से एलिमेंट्स को सेपरेट करने लगते हैं और वो एक ब्रिज बनाते हैं जो कि हेल को पृथ्वी से जोड़ती है। अब वो जो है उस ब्रिज पर चलने लगते हैं, यानी कि वो पैराडाइज की एज पर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सैटर्न मिलता है जो कि एक एंजलिक फॉर्म में था। वो सैटर्न के पास आते हैं, वो एक एंजल की फॉर्म में है, लेकिन वो जो है अपने फादर को पहचान लेते हैं। सैटर्न फिर अपने ओरिजिनल रूप में आता है। तो सिन सैटर्न से कहती है कि हमारे अंदर कोई कनेक्शन है क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ कि तुम अपने टास्क में कंप्लीट, तुमने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, तुम सक्सेस हो गए हो, मुझे जो है ये फील हो गया था, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई कनेक्शन है। तो वो कहती है कि फिर सैटर्न कहता है कि हाँ ऐसा ही है, मैंने जो है मानवता को टेम्पटेशन कर दिया है, मैंने जो है मानवता का फॉल डाउन कर दिया है। तो फिर वो कहती है, सिन कहती है कि तुम सक्सेस हुए हो, तुमने जो है सिन को और डेथ को यानी कि मुझे और डेथ को हेल से तुमने लिबर्टी दे दी है, हमें आज़ादी दे दी है, अब हेल जो है हम तीनों को और ज़्यादा नहीं रखेगा, सैटर्न जो है अब अर्थ का राजा होगा, यानी कि वो सैटर्न से बोल रही है कि सैटर्न जो तुम हो अर्थ के राजा होंगे। सैटर्न कहता है कि तुम और डेथ ने प्रूव कर दिया है कि तुम वाकई में ही मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो, तुम वर्थी हो तुम मेरी रेस के, मेरी जाति के। फिर वो उनसे कहता है कि जाओ और पैराडाइज में चारों ओर फैल जाओ और वहाँ पर जो है हैवोक करो, यानी कि वहाँ पर जो है तहस नहस सब कुछ कर दो, और मैं वापस हेल में जा रहा हूँ अपने लेंस को जो है अपने साथियों को इन्फॉर्म करने के लिए, उसे उन्हें यह गुड न्यूज़ बताने के लिए। अब
जो है डेथ कहता है कि हाँ मैं जाकर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको करप्ट कर दूंगा, और सिन कहती है कि मैं जो इंसान की थॉट्स हैं, इंसान के जो कार्य हैं, मैं उनको करप्ट करूंगी। सैटर्न उनको वहाँ से भेजकर वापस हेल में चला जाता है और डेथ और जो सिन है वो पैराडाइज में आ जाती हैं। सैटर्न जो है हेल के गेट में एंटर करता है, उसके जो साथी थे वो कुछ हैंगिंग आउट कर रहे थे, कुछ यानी कि इधर उधर घूम रहे थे, पेंडामोनियम के चारों ओर वो घूम रहे थे और कुछ जो है काउंसिल कर रहे थे अंदर बैठे हुए। सैटर्न अपने आप को इनविजिबल करता है और फिर वो जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है और सडनली वो अपीयर होता है पेंडामोनियम के अंदर। तो जब सब उसे देखते हैं तो सब खुश हो जाते हैं, वो शाउटिंग करने लगते हैं। फिर सैटर्न उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें यहाँ तुम सबको यहाँ से ले जाने के लिए, मैं तुम सबको हेल से ले जाऊँगा उस नए वर्ल्ड पर, उस नई वर्ल्ड में जिसे कि मैंने जीत लिया है। तो सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें स्टोरी बताने लगता है कि कैसे जो है सैटर्न ने एडम और ईव को लुभाया है, कैसे जो है उन्होंने उन्हें ट्रिक किया है ताकि वो गॉड को डिसओबे कर सके। वो अपनी स्टोरी बताता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि सब उसकी प्रशंसा करेंगे, वो जो है मतलब इंतज़ार करता है कि सब बोलेंगे कि कितना अच्छा काम सैटर्न ने किया है। लेकिन सैटर्न को जो है कुछ हिस की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जो सांप की जो सांप फुंकारते हैं ना, तो उन्हें मतलब सांप के फुंकारने की आवाज़ सुनाई देती है, न कि अपने साथियों की आवाज़ें। फिर उसे फील होता है कुछ कि उसकी जो बॉडी है वो चेंज हो रही है और वो धीरे धीरे एक सरपेंट में चेंज हो जाता है, और जितने भी फॉलन एंजल्स थे उसके चारों ओर वो भी सबसे सरपेंट बन जाते हैं। ये जो है पनिशमेंट थी उनके क्राइम के लिए। सैटर्न और जो उसके साथी वो पेंडामोनियम से बाहर निकलते हैं और जितने भी अदर फॉलन एंजल्स बाहर थे वो भी सब जो है सरपेंट बन जाते हैं। अब जो है उन्हीं के पास में एक ग्रोव जो है वो यानी कि एक झाड़ी जो है वो स्प्रिंग अप होती है, झाड़ी आ जाती है वहाँ पर, जिस पर जो वही फ्रूट्स लगे हुए थे जो कि फॉरबिडन वाले थे, यानी कि फॉरबिडन फ्रूट्स की तरह ही उसमें जो है फ्रूट्स लगे हुए थे। जितने भी सब स्नैक्स थे अचानक से उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है और वो कंपेल हो जाते हैं उन फ्रूट को खाने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत तेज जो है एकदम से प्यास लगने लगती है तो उन्हें वो फ्रूट खाने ही पड़ते हैं। हालांकि जब ये फ्रूट खाते हैं तो उनके मुँह में जो है वो फ्रूट एसिस बन जाते हैं। अब हमें सिन और डेथ को दिखाया जाता है, वो पैराडाइज में पहुँच चुके हैं और वो अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। गॉड ये सब देख रहे हैं। गॉड कहते हैं कि वे अर्थ पर आ गए हैं, सिन और डेथ जो है अर्थ पर आए हैं एडम और ईव की वजह से, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो हूँ इन्हें अलाउ करता हूँ कि वो अर्थ पर ही रहे जब तक कि जजमेंट डे नहीं आ जाता, यानी कि उस वो जजमेंट डे की बात कर रहे हैं जब जीसस जो है जजमेंट करेंगे और जितने भी बुरे लोग हैं उनको हेल में भेजेंगे और जितने भी अच्छे लोग होंगे उनको हेवन में भेजेंगे। तो गॉड कहते हैं कि बाद में जिस दिन जजमेंट होगा वे जो हैं सैटर्न के साथ हेल में भेज दिए जाएंगे, सिन और डेथ भी जो है सैटर्न के साथ हेल में भेज दिए जाएंगे और उनको हमेशा के लिए लॉकअप कर दिया जाएगा। गॉड जो है अब अपने एंजल्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो यूनिवर्स में है उसमें कुछ जो है बदलाव हमें करना है। वो जो अर्थ की धुरी थी उसको झुका देते हैं या वो जो है सन का पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी कि अब जो है ह्यूमन काइंड को एंड्योर करनी पड़ेगी एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड, यानी कि अब गर्मी और सर्दी के सीज़न, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी जो है मानव जाति को सहन करनी पड़ेगी। वो पृथ्वी को इस तरह से घुमाते हैं। अब हमें डिस्कॉर्ड दिखाई जाती है। डिस्कॉर्ड जो है वो सिन की फर्स्ट डॉटर है, वो भी जो है सिन के पीछे पीछे अर्थ पर आ जाती है और वो कारण बनती है एनिमल्स के आपस में वार का, यानी कि डिस्कॉर्ड को कहते हैं जो मतलब एक तरह से आपस में फूट डालना, कलह करना। तो जितने भी जानवर थे एनिमल्स थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एडम जब इन सब चीज़ों को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वो जो है कंप्लेंट करने लगता है। वो कहता है कि काश ये सब ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके चिल्ड्रन जो है वो उसको कर्स करेंगे, जो उसके डिसेंडेंट जो उसके वो होंगे मतलब जो उसके बच्चे होंगे आगे वो सब जो है उसको कर्स करेंगे कि हम एडम की वजह से ये सब हुआ है। तो वो कहता है कि काश ये सब यहाँ पर ख़त्म हो जाता। फिर वो जो है अपनी लाइफ को ही कर्स करने लगता है और वो विश करता है कि काश डेथ जो है उसके पास आ जाए। लेकिन तभी ईव वहाँ पर आती है। एडम बहुत ज़्यादा एंग्री है ईव के ऊपर, वो ईव को ब्लेम करता है और वो इंसल्ट भी करता है ईव के फीमेल नेचर की। वो कहते हैं कि गॉड ने तुम्हें बनाया ही क्यों। ईव जो है फॉरगिवनेस जो है वो बैक करती है, यानी कि वो माफ़ी मांगने लगती है, वो उसके आगे प्रार्थना करने लगती है कि मुझे मत छोड़ो। फिर वो कहती है कि
स्नेक ने जो है मुझे ट्रिक कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ब्लेम को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने सिन किया है, मैंने गॉड के प्रति भी और तुम्हारे प्रति भी मैंने अपराध किया है, मैं तुम्हारे भी और गॉड की भी अपराधी हूँ। फिर वो कहती है कि अगर हम यूनिटी और लव के साथ रहे तो हम फॉलन वर्ल्ड में भी आसानी से रह सकते हैं, फॉलन वर्ल्ड में भी जो यूनिटी और लव है वो हमें बचा सकता है। वो जो है डेथ को लॉन्ग्स करती है, वो कहती है कि काश हमारी जो है डेथ आए और हमें ले जाए, हमारी ज़िंदगी वो ले ले, लेकिन एडम जो है इस बात से मना करता है। ईव जो है, ईव की जो स्पीच है यानी कि ईव की जो बातें हैं वो एडम को इफ़ेक्ट करती है। एडम अब थोड़ा शांत हो जाता है, एडम ईव को भी कंसोल करता है और कहता है कि हम दोनों की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है थी ये कि सब ना हो, लेकिन हम दोनों ने ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो हमारे जो डाउनफॉल हुआ है उसके रेस्पॉन्सिबल भी हम दोनों ही बराबर के हैं, हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए और अब हमने जो गलतियाँ की है हमें उसी के साथ रहना चाहिए और जितना भी हो सकता है हमें अपने फॉलन स्टेट को अच्छा बनाना चाहिए। और फिर वो प्रोफेसी याद करते हैं जो जीसस ने कही थी कि जो ईव के सीड होंगे वुड ब्रीज द हेड ऑफ द सर्वेंट, यानी कि जो जीसस ने कहा था कि ईव सीड वुड ब्रीज द हेड ऑफ द सर्पेंट, यानी कि ईव के जो बेटे होंगे, ईव के जो बच्चे होंगे वो सर्पेंट के हेड को कुछ लेंगे। तो वो कहता है कि अगर हम मर गए तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है वो ईव को एडवाइस करते हैं कि हमें जो है प्रे करनी चाहिए, हमें जो है गॉड से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वो हम पर दया कर सके। उसके बाद वे उसी जगह पर वापस लौटते हैं जहाँ पर उन्हें पनिशमेंट मिली थी और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने शिन को वो कन्फेस करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ हमने पाप किया है और वो फॉरगिवनेस मांगने लगते हैं, यानी कि वो गॉड से माफ़ी मांगने लगते हैं। बुक 11 स्टार्ट होती है, एडम और ईव जो हैं प्रेयर कर रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मतलब वो मर्सी के लिए भगवान से जो है प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी जो वो अपनी प्रेयर को फिनिश करते हैं, सन है गॉड के जो सन है जीसस, वो उनकी प्रेयर को रिसीव करते हैं और फिर वो जो है फादर के पास यानी कि गॉड के पास उनकी प्रेयर को ले जाते हैं। गॉड प्रेयर सुनते हैं एडम और ईव की, फिर गॉड जो है माइकल को आज्ञा देते हैं कि वो जाए अर्थ पर और एडम और ईव को अर्थ से बैनिश कर दे, लेकिन नाइसली उनको बैनिश करे, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही निकाल दे, उनको जो है नाइसली ट्रीट करे उनको जो है। और गॉड ये भी कहते हैं कि उनको जो है कुछ फ्यूचर के बारे में भी जो है वो विज़न दिखा दे कि फ्यूचर में मैनकाइंड के साथ क्या होने वाला है। गॉड कहते हैं कि ये जो प्योर पैलेस है गार्डन ऑफ एडन है, जो ये एक प्योर पैलेस है और इस प्योर पैलेस में कोई भी जो है इम्प्योर नहीं रह सकता, और एडम और ईव जो है वो अब फिलहाल इम्प्योर हो चुके हैं, अब वो पहले की तरह प्योर नहीं है, तो प्योर पैलेस में कोई इम्प्योर नहीं रह सकता, इसीलिए जो है उनको जाना ही होगा। और लेकिन गॉड ये भी कहते हैं कि अगर वो एक गुड और मॉरल लाइफ जीते हैं तो फिर वो यूनाइट कर सकते हैं वो गॉड के साथ आफ्टर देयर डेथ, यानी कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद वो गॉड के साथ यूनिट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक गुड और जो है मॉरल लाइफ अगर वो जीते हैं। तो माइकल उजाते हैं, एडम और ईव जो अपनी प्रेयर फिनिश कर चुके हैं और अब उन्हें जो है होपफुल वो लग रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब उनकी जो होप है वो पूरी हो जाएगी, उनको शायद जो है इसी गार्डन में रहने दिया जाए। फिर वो ईव से कहते हैं कि हम जो है कि सैटर्न से हम बदला ले पाएंगे, तुम जो हो, वो ईव से कहते हैं कि तुम ह्यूमन काइंड की मदर बनोगी और फिर जो है हम सैटर्न से अपना रिवेंज ले पाएंगे। हालांकि ईव अभी भी अशेम्ड है कि उसकी वजह से जो है सिन और डेथ ईडन में आ गए हैं, इस अर्थ पर जो है सिन और डेथ आ गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अशेम फील कर रही है, लेकिन वो कहती है कि मैं जो हूँ गॉड की ओबे करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं गॉड की जो है ओबे करूँ और जो है पीसफुल्ली मैं अपना जीवन आगे जीऊँ। फिर वो एडम से कहती है कि चलो हमारे काम करने का वक्त हो गया है, हम काम करते हैं। और यहाँ पर वो ईव ये भी कहती है कि आज के बाद मैं कभी भी तुमसे अलग काम नहीं करूँगी, मैं हमेशा जो है तुम्हारे साथ ही काम करूँगी। फिर वो वर्क के लिए जैसे ही जाने वाले होते हैं तो तभी वो नोटिस करते हैं कि वो एक पिकॉक को चेस कर रहा है और लोयन जो है वो शिकार के लिए बैठा हुआ है, यानी कि बहुत ही जो पैराडाइज था जो बिल्कुल शांत था जिसमें सारे एनिमल्स एक साथ खेलते थे, अब वो आपस में एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। एडम और ईव ये देख कर बहुत दुखी होते हैं। तभी जो है माइकल वहाँ पर आते हैं और माइकल जो है एडम और ईव से कहते हैं कि अब तुम्हें पैराडाइज छोड़ना पड़ेगा, अब तुम्हें जो ये पैराडाइज गार्डन है अब तुम्हें इसको छोड़कर जाना
पड़ेगा। एडम और ईव जो है और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन माइकल जो है उन्हें कंफर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि जो ये पूरी अर्थ है ये पैराडाइज की तरह ही है और ये सब जो है गॉड के द्वारा ही दिया गया है और अंडर द आई ऑफ फादर ही ये सब चीज़ें हैं, यानी कि गॉड जो है गॉड की नज़र सबके ऊपर है। अगर तुम पैराडाइज में नहीं रहते हो, अर्थ पर रहते हो, तब भी तुम गॉड के जो है मतलब गॉड के सानिध्य में ही रहोगे, गॉड तुम्हारे ऊपर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। एडम जो है दुखी होता है कि मैं अब गॉड से बातें नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पैराडाइज में जो है मैं गॉड से बातें कर पाता था, लेकिन अगर मैं पैराडाइज छोड़कर चला जाऊँगा तो फिर मैं गॉड से कभी बातें नहीं कर पाऊँगा। लेकिन माइकल फिर एक्सप्लेन करते हैं कि एडम जो है कहीं पर भी गॉड से बातें करते हैं कर सकते हैं जहाँ भी वे जाएंगे, यानी कि वे कहीं भी चले जाए गॉड हमेशा उनके साथ रहेंगे और वो गॉड से कभी भी बातें कर सकते हैं। फिर जो माइकल हैं वो एडम से कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ विज़न दिखाऊँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा फ्यूचर के बारे में। फिर वो ईव को कुछ सुला देते हैं, यानी कि ईव को वहीं पर सुला देते हैं और वो एडम को एक हाई हिल पर ले जाते हैं ताकि वो उन्हें ह्यूमन काइंड के कुछ विजन्स दिखा सके, फ्यूचर में जो होने वाला है वो सब एडम को दिखा सके। वो एडम की आंखों में कुछ डालते हैं और उसके बाद एडम की आंखों में जो है विजन आने लगते हैं। एडम देखते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक फील्ड दिखाई देता है उन्हें और एक फील्ड में जो है दो व्यक्ति हैं, वो गॉड के लिए अपने अपनी जो है सेक्रीफाइस लेकर आए हैं, यानी कि वो गॉड को कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन जो गॉड है उनमें से केवल एक की जो है बलि एक्सेप्ट करता है, दूसरे की नहीं करता, तो जो वो दूसरा व्यक्ति है वो गुस्से में पहले को मार देता है। माइकल बताते हैं कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये कैन और एबिल हैं, ये एडम और ईव की पहली संतान होगी। कैन और एबिल जो थे दो भाई थे और दोनों ही जो है बहुत मेहनत करते थे, तो एक बार जो है वो मतलब डिसाइड करते हैं कि वो गॉड को कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, जो अपनी सबसे प्यारी चीज़ है वो गॉड को वो सेक्रीफाइस करेंगे। कैन जो होते हैं वो एक फार्मर होते हैं और एबिल जो होते हैं वो सेफर्ड होते हैं। जो गॉड है वो एबिल की जो सेक्रीफाइस है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैन की नहीं, क्योंकि जो एबिल थे वो अपनी फेवरेट चीज़ लेकर आए थे, यानी कि जो उन्हें सबसे प्रिय चीज़ थी वो लेकर आए थे, जबकि जो कैन थे कैन लेकर आए थे कुछ मतलब कुछ अन टाइप का वो लेकर आए थे। तो गॉड जो है वो एबल की सेक्रीफाइस को वो एक्सेप्ट करते हैं और इसी वजह से गुस्सा होकर कैन जो है वो एबल को मार देते हैं। एडम ये सब देखकर शॉक होते हैं और पूछते हैं कि क्या यह डेथ है, क्या इसी को डेथ कहते हैं? तो माइकल कहते हैं कि हाँ यह डेथ है, लेकिन यह डेथ की केवल एक फॉर्म है और डेथ की जो है बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग जो रूप हैं। फिर एडम एक लेज़र हाउस देखते हैं, लेज़र हाउस यानी कि एक तरह का जो हॉस्पिटल होता है जहाँ पर हर तरह के सिक पर्सन लेटे हुए हैं, हर तरह का बीमार व्यक्ति वहाँ पर है और ये सभी पीपल जो है ये धीरे धीरे मर रहे हैं, लेकिन जो डेथ है वो उन्हें ले जाने से रिफ्यूज़ कर देता है, यानी कि डेथ उन्हें नहीं लेकर जाता। एडम जो है रोने लगते हैं। एडम कहते हैं कि अगर यह डेथ है तो मैं चाहता हूँ कि, तो मुझे लगता है कि जो लाइफ वो कोई भी वर्थ योग्य नहीं है, यानी कि किसी भी योग्य नहीं है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? तो माइकल फिर एडम को एक और सीन दिखाते हैं। इस टाइम जो सीन है उसमें वो दिखाते हैं कि कुछ गाइस हैं, कुछ लोग हैं जो कि एक टेंट के चारों ओर जो है एक बंच में बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर ए लॉट ऑफ वुमेन आ जाते हैं, यानी कि कुछ जो है वुमेन वहाँ पर आ जाती हैं और फिर वे सब जो है पेयर ऑफ करते हैं, वे सिंग करते हैं, डांस करते हैं और आपस में जो है वो शादी कर लेते हैं। एडम को ये देखकर कुछ डिलाइट महसूस होता है, यानी कि वो कुछ खुश होते हैं कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। लेकिन तभी माइकल उन्हें बताते हैं कि ये जो एक्चुअली एविल मैन है ये कैन के डिसेंडेंट्स हैं, कैन जिसने कि अपने भाई एबल को मार दिया था। और ये जो लोग हैं ये केवल प्लीजर के लिए जीते हैं, ये गॉड के लिए नहीं जीते, ये गॉड की जो है बिल्कुल भी गॉड को नहीं मानते, गॉड की पूजा अर्चना ये कुछ नहीं करते और ये जो है मतलब ये भी ऐसे ही मर जाएंगे। फिर माइकल जो है उन्हें उसे एक अनदर विज़न दिखाता है। उसके बाद जो है एडम एक सिटी देखते हैं जिसमें बैटल हो रहा है, फाइटिंग हो रही है और बहुत सारा ब्लड वहाँ पर फैला हुआ है। एक गाय है जो कि खड़ा हुआ है और वो इस वॉर को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम इनोक है। दूसरा व्यक्ति आता है और उसको डराता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जो है गॉड आते हैं और उनको अपने साथ सेफली हेवन में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद फिर एक सीन आता है डेथ का, जिसमें जो है मतलब जो सीन है वो चेंज होते रहते हैं। एडम जब बहुत सारे सीन देखते हैं जिसमें वो डेथ देखते हैं, डांसिंग देखते हैं, सेक्स देखते हैं, यानी कि माइकल उन्हें बताते हैं कि जो वर्ल्ड में है हर तरह की लस्ट्री और
फैल जाएगी कुछ दिनों में, जो है यहाँ पर हर तरह की लस्ट, एडल्ट्री ये सभी होंगी। फिर एक सिंगल मैन को वो देखते हैं जो कि दूसरे लोगों को प्रीच कर रहा है, उपदेश दे रहा है कि वो जो लाइफ का एविल वे है उसको रोक दे और अच्छे पाथ पर वो वापस आ जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी बातें नहीं सुन रहा, उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो इसीलिए जो है वो सिटी से दूर चला जाता है, वो माउंटेन्स में चला जाता है और फिर वो एक बोट बनाता है, बहुत बड़ी जो है वो बोट बनाता है, एक जेंट बोट वो बनाता है जिसमें वो हर तरह के एनिमल्स को बिठाता है अर्थ से और अपनी फैमिली को वो उस बोट में बिठा देता है। तभी क्या होता है कि ग्रेट फ्लड आती है, यानी कि बहुत बड़ी जो है फ्लड उसमें आती है वर्ल्ड में, और सब कुछ जो है वो वाइप कर देती है, सब कुछ जो है वो अपने साथ ले जाती है और क्या बचता है, केवल वो बोट बचती है जिसमें जो है वो मैन थे, मैन जिनका नाम था नोहा थे, नोहा की फैमिली थी और जो एनिमल्स नोहा ने अर्थ से इकट्ठा किए थे केवल वही बचते हैं। तो माइकल यहाँ पर बताते हैं कि गॉड जो थे वो ह्यूमन काइंड का जो सिनफुल वेज हो चुका था, यानी कि जो लोग एक गलत रास्तों पर चल चुके थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा वो एंग्री हो चुके थे, गॉड थक चुके थे, इसलिए गॉड ने जो है डिसाइड किया था कि वो पूरी अर्थ को साफ कर देंगे और उन्हें एक वर्चुअस मैन मिला था जिसका नाम था नोहा। तो उन्होंने सोचा था कि मैं केवल नोहा से ही जो है ह्यूमन काइंड को प्रिजर्व करूँगा, क्योंकि नोहा एक नोबल मैन है, तो इसीलिए जो है उसी से अब आगे ह्यूमन काइंड चलेगी। अब जो है जब फ्लड ख़त्म होती है, यानी कि फ्लड चली जाती है, तो एडम को एक रेनबो दिखाई देता है। तो एडम अब जो है वो रेस्योर हो जाते हैं इस स्टोरी से और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा जो है गॉड के वर्च्यू मतलब गॉड के जो गुण हैं और जो गॉड की जो वो ओबिडेंस है वो उसका पालन करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि अब अर्थ पर जो है नोहा के थ्रू जो है गॉड की ओबिडेंस और गॉड के वर्च्यू भी जीवित रहेंगे। फिर माइकल जो है एडम को बताते हैं कि इस फ्लड के बाद गॉड कभी भी जो है मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जब तक कि एंड टाइम नहीं आ जाता, जब फिर फायर ये जो है सब चीज़ को कंज्यूम कर लेगी। तो यहाँ पर जो है बुक 11 ख़त्म हो जाती है। बुक 12, बुक 11 में हमने देखा था जो माइकल है वो एडम को कुछ विजन्स दिखा रहे हैं, तो बुक 12 में भी जो है माइकल कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को फ्यूचर के बारे में। बुक 11 में जब ख़त्म हुई थी तो हमने देखा था कि एक फ्लड आई थी जिसने अर्थ को बिल्कुल क्लींस कर दिया था, सब जो है वो सब कुछ ख़त्म कर दिया था, केवल एक नोहा जो एक वर्चुअस मैन था नोहा जो वो बचे थे और उनकी फैमिली और कुछ एनिमल्स जो उन्होंने अर्थ से अपनी बोट पर बिठाए थे। तो अब जो उसके आगे की स्टोरी माइकल बताते हैं कि जब फ्लड आएगी तो उसके कुछ टाइम बाद जो है ह्यूमन काइंड में शांति रहेगी, यानी कि इस वर्ल्ड में जो है शांति बनी रहेगी। अब जो है ह्यूमंस मोर ओबिडेंटली जो है गॉड के मोर ओबिडेंटली हो जाएंगे, यानी कि जितने फ्लड से पहले जो ह्यूमंस थे वो गॉड को ओबे नहीं करते थे, लेकिन अब जो है जितने भी ह्यूमंस होंगे वो ओबिडेंटली हो जाएंगे, वो गॉड को ओबे करेंगे, वो सेक्रीफाइसिस करेंगे, सेक्रीफाइस को ऑफर करेंगे, यानी कि गॉड को वो बलि देंगे और अपने मतलब फ्लॉक से अपनी फील्ड से। इसके बाद जो है सेवरल जनरेशन लेटर, यानी कि बहुत से जो जनरेशन ऐसे ही आएगी, कुछ पीस बनी रहेगी, लेकिन फिर एक लीडर आएगा जिसमें बहुत ही प्राउड होगा और जिसकी जो एम्बिशंस होगी वो अनगॉडली होंगी, यानी कि वो गॉड को नहीं मानेगा। उस गाय का नाम होगा निमरोड। ये एक टायरेंट होगा जो कि फोर्स करेगा लोगों को कि वो उसके अंदर रहे, यानी कि वो उनके ऊपर राज्य करेगा, वो उनको अपने अंडर रूल रखेगा। फिर उसके बाद वो एक टावर का निर्माण करेगा जिसका नाम होगा बैबल। वो एक टावर बनाएगा ताकि वो हेवन तक पहुंच सके, लेकिन गॉड जब ये सब देखेंगे तो वो पनिशमेंट उनको देंगे। वो जो है जितने भी व्यक्ति, जितने भी जो पीपल उस टावर से एसोसिएट थे, जो टावर को बना रहे थे, वो उन सबको पनिश करेंगे और वो उनको जो है क्रश करेंगे कि वो सब अलग अलग लैंग्वेज बोलने लगेंगे ताकि कोई भी जो है एक दूसरे को न समझ सके। तो वो एज ए पनिशमेंट उनको ये क्रश करते हैं। फिर इसके बाद जो है एडम कहते हैं कि हाँ ये सच है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी को भी जो है डोमिनेंट नहीं करना चाहिए दूसरे लोगों के ऊपर, क्योंकि जो हर व्यक्ति है वो अपने नेचर से फ्री है। तो माइकल कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हर व्यक्ति फ्री है, लेकिन इस लिबर्टी की भी जो है एक बाउंडेशन होती है। मैन जो है केवल मैन की जो ट्रू लिबर्टी है वो केवल ये है कि अगर वो राइट रीज़न से ओबे करे, यानी कि दूसरों की जो लिबर्टी है वो उसमें इंटरफेयर ना करे।
अगर कोई व्यक्ति दूसरे की लिबर्टी को छेड़ता है या दूसरे की लिबर्टी छीनने की कोशिश करता है तो ये एक ग्रेट सिन है। माइकल फिर कहते हैं कि गॉड जो है, जब जैसे पीपल जो करप्ट हो रहे हैं तो उनसे जो है गॉड बहुत ज़्यादा शिक हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए वो एक नेशन को चूज़ करेंगे जिसका नाम होगा इज़राइल, ताकि वो राइज कर सके। फिर वो एक पर्सन को लेंगे अब्राहम नाम के, और जो कि आइडल्स की वर्शिप करता था, यानी कि जो गॉड की ओबे करता था, एक वर्चुअस मैन वो था, तो गॉड जो है उन्हें कमांड देंगे और अब्राहम जो है अपने नेटिव लैंड को छोड़कर चले जाएंगे, और वो कैनन एक प्रॉमिस लैंड है जो भगवान जो गॉड उन्हें देते हैं, गॉड जो है अब्राहम को एक प्रॉमिस लैंड देते हैं कैनन, तो अब्राहम अपने नेटिव लैंड को छोड़कर कैनन में चले जाएंगे, और जो उनके डिसेंडेंट्स होंगे वो भी इजिप्ट में मूव कर जाएंगे, यानी कि वो इजिप्ट में चले जाएंगे। फिर कुछ जनरेशन बाद, यानी कि लेटर जनरेशन जो आएगी, तो जो पैरो हो गए, पैरो फिर जो है फैरो जो हैं वो वरीड हो जाएंगे उनके जो ग्रोइंग नंबर्स हैं उन्हें देखते हुए, यानी कि जो इजिप्ट में डिसेंडेंट्स आए थे अब्राहम के, तो वो देखेंगे कि इनकी जो जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो फैरो जो है एक फैरो भी एक ह्यूमन रेस है, तो वो चिंतित हो जाएगी और वो उनको एनस्लेव कर लेगी। फिर दो ब्रदर्स होंगे मोसेस और एरोन, वो जो है इजिप्ट जो है उनको इजिप्ट से बाहर लेकर जाएंगे प्रोमिस लैंड पर, प्रोमिस लैंड जो कि कैनन है, उन लोगों को जिनको कि फैरो ने एनस्लेव किया था, यानी कि जो इजराइलिस्ट थे इजिप्ट में मूव कर गए थे, जो उनको फैरो ने अपना दास बना लिया था, तो जो दो ब्रदर्स होंगे मोसेस और एरोन वे उनको वहाँ से मुक्त कराएंगे और वो उनको वापस प्रोमिस लैंड लेकर जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि फैरो में जो है प्लेग आ जाता है, और फिर जब मोसेस जो है उनको लेकर जाते हैं इजराइलिस्ट को, तो उन्हें रेड सी से गुजरना होता है, तो गॉड जो है उन्हें रेड सी से गुजरने देते हैं, और जब वो इजराइलिस्ट रेड सी से चले जाते हैं तो गॉड उसका रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि जो फैरो की आर्मी उनके पीछे पीछे आ रही थी उनको फिर रास्ता नहीं, गॉड जो है उनको एक उनको जो है लॉ देते हैं जिसमें 10 कमेंडमेंट्स जो है शामिल होते हैं, तो जो यानी कि जो इजराइलिस्ट प्रोमिस लैंड में आए थे उनको कुछ लॉ गॉड देते हैं। अब जो प्रोमिस लैंड में सेटल हो गए थे तो कुछ टाइम के लिए जो है वहाँ पर भी शांति रहती है, लेकिन बाद में फिर वहाँ पर वॉर भी होते हैं, और गॉड जो है अपने जज से और राजा से, यानी कि कुछ राजा होते हैं कुछ जज होते हैं, और उनसे जो है प्रोटेक्ट भी पीपल को करते हैं। इसके बाद एक किंग होंगे सोलोमन, सोलोमन एक मैसिव टेंपल बनाएंगे हाउस द आर्क, और लेकिन बाद में क्या होगा, जो सोलोमन के फॉलोवर्स होंगे वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इजराइलिस्ट जो है उनको कैप्चर कर लिया जाएगा और उनको इम्प्रिजन किया दिया जाएगा बेबीलोनियंस के द्वारा, बेबीलोनियन के द्वारा जो है उनको 70 साल के लिए कैप्चर और इम्प्रिजन किया जाएगा। फिर जो है कुछ समय के लिए फिर पीस हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है इजराइलिस्ट वो आपस में ही लड़ने लगेंगे, और फिर एक स्ट्रेंजर यानी कि रोमन को जो है अपने ऊपर वो राज्य करने देंगे, और फिर कुछ टाइम बाद यानी कि बहुत सारे रूलर्स होते हैं उसके बाद जो है मसीहा आएंगे, मसीहा जिनको मसीहा कहा जाएगा, या चूसन वन जो होंगे जिन्हें गॉड चूज करेंगे, और उन्हें जीसस भी कहा जाएगा, यानी कि वो गॉड के सन होंगे। तो काफ़ी जो रूलर्स आएंगे उसके बाद जो है जीसस इस दुनिया में आएंगे, और वो फिर से जो अर्थ और हेवन को एक साथ लेकर आएंगे, लेकिन उनका विरोध भी होगा, बहुत से लोग जो है उनको नहीं मानेंगे, उनको जो है उनके अगेंस्ट होंगे, तो इसलिए जीसस को बहुत सफ़र भी करना पड़ेगा, और बहुत से लोग उनको हेट करेंगे और उनको डिस्ट्रस्ट करेंगे, बिट्रे करेंगे, और उनको डेथ की पनिशमेंट भी मिलेगी, यानी कि जीसस को जो है डेथ की पनिशमेंट मिल जाती है, उनको हैंग कर दिया जाता है, लेकिन वो अपने ग्रेव से फिर उठेंगे, और वो उठकर सिन और डेथ दोनों को वो डिफीट करेंगे, हेड के जो शैतान का हेड है उसको वो ब्रश करेंगे, और जो जीसस है फिर वो कुछ टाइम के लिए अर्थ पर हैंग आउट करेंगे अपने डिसिपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ, और फिर वो वापस हेवन में चले जाएंगे। फिर वो कभी दोबारा वापस आएंगे फ्यूचर में, और फिर वो जज करेंगे लिविंग एंड द डेड की, यानी कि जो जीवित लोग हैं जो मृत लोग हैं उनको वो जज करेंगे कि कौन अच्छे थे कौन जो है बुरे थे, और उसके हिसाब से जो है वो उनको उनको हेवन और हेल में भेज देंगे। एडम ये सब सुनकर बहुत खुश होता है, और वो कहते हैं कि चलो हमने मिस्टेक की है, हमने गलती की है, लेकिन हमारी गलती से कुछ अच्छा भी होगा। तो माइकल कहते हैं कि जो गॉड के लोग हैं जो उनकी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बैड पीपल जो होंगे जो बुरे लोग होंगे वो भी प्रिटेंड करेंगे कि वो अच्छे बन हैं, और इसीलिए जो है बहुत से प्रोसिक्यूशंस भी होगा जब तक कि जीसस वापस नहीं आते।
तो एडम कहते हैं कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ और मैं ये भी जान गया हूँ कि केवल जो है भगवान की ओबे करना, गॉड की ओबे करना ही सबसे अच्छी चीज है। तो माइकल कहते हैं कि अब जो है तुम्हारा टाइम आ गया है, अब तुम्हारा समय आ गया है, अब माउंटेन से हमें नीचे उतरना होगा और एडम को जो है जल्दी ही गार्डन छोड़ना होगा ईव के साथ। फिर माइकल एडम को कहते हैं कि जाओ और ईव को जगा लो। एडम देखते हैं कि ईव तो पहले से ही जागी हुई है और ईव कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारी मिस्टेक से कुछ अच्छा होगा, यानी कि जो विज़न जो है एडम को वो दिखा रहे थे तो ईव भी सोते हुए विजन्स देख रही थी। फिर एंजल जो है एडम और ईव को गार्डन से बाहर ले जाते हैं ताकि वो, और उनको जो है नीचे प्लेन में उतार देते हैं, जो मैदान है उसमें वो नीचे उतार देते हैं। एडम और ईव हाथों में हाथ डाले जो है जाते हैं, वे पैराडाइज की तरफ देखते हैं, मतलब वो एक बार पैराडाइज की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि एक स्वॉर्ड जो है वो कवरिंग कर रही है ईस्टर्न साइड को, यानी कि ईस्टर्न साइड को जो है बंद किया जा रहा है। वे दोनों आंसू बहाते हैं लेकिन फिर अपने आंसू को वो पूछते हैं और फिर वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर धीरे धीरे चले जाते हैं। यहाँ पर बुक 12 फिनिश होती है और पैराडाइज लॉस्ट भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है।